मेरी एक मात्र इच्छा उनके चरण कमलों से निकले हुए शब्द द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं, उनके चरण कमलों में अनुराग से सिद्धि है जो समस्त मूर्तों को पूर्ण करती हैं। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मात्र मेरे प्रभु हैं, प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, अविद्या का नाश करते वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यह तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, इस ग्रेस प्रसाद मुकुंद प्रभु जी की, महाशिवरात्रि पर्व की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बोल। प्रेमानंदे हरे, आप सब भक्तियों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गौर प्रभु जी की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावन चारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे
जया रुक्मणी द्वारकाधीश, जया रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शनाय, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, नीताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नीताय गौरा हरि बोल, नीताय, श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की, श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय,
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष पर्व 18 तारीख जो कि महाशिवरात्रि के रूप में विश्व के लोग बना रहे हैं और वैष्णव लोग 19 तारीख को बना रहे हैं, पर दोनों दिन ही मनाया जा रहा है 18 और 19। तो महाशिवरात्रि जो है ये पर्व ये दो कारणों से बड़ा प्रमुख मुख्य है। एक तो आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, पहले तो सती के साथ हुआ था, पुनः भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह है वो आज ही के दिन फाल्गुन चतुर्दशी के दिन हुआ। और आज ही के दिन भगवान शिव ने हलाहल जो समुद्र मंथन से निकला उस विष का पान किया था, तो विष पान करने के कारण भी आज का महाशिवरात्रि का पर्व मना। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, जब भी चतुर्दशी आएगी अमावस से पहले वाली यानी कि कृष्ण पक्ष वाली जो आएगी उसमें चतुर्दशी, जब भी उसे शिवरात्रि कहते हैं हर महीने। तो एक होती है सावन की शिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि उसको भी कहते हैं, परंतु फागुन की जो ये है फागुन मास यानी होली से पहले जो आ रही है ये फागुन के महीने में ये बड़ी प्रमुख है, इसे महाशिवरात्रि कहते हैं क्योंकि इसमें दो प्रमुख कार्य किए भगवान ने। तो हम देखते हैं भगवान को किस भाव से जानना चाहिए, आज हम वो चर्चा करेंगे कि ये तत्व क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी का एक तत्व है शिव तत्व, कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी जो है वो देवी देवताओं में है महादेव है भगवान नहीं है, ऐसा हम लोग भी बोलते हैं अपने नाम अपराध में कि भगवान शिव और आदि देवों को भगवान के समान समझना ये अपराध है, नाम अपराध है। तो क्या भगवान शिव भगवान है या खाली देवता है या देवों के देव हैं या कोई अलग तत्व है, ये सब चीज़ें हमें मालूम रहनी चाहिए। कभी कभी हम पढ़ते हैं कभी कुछ सुना लेकिन वो सारा का सारा मिक्सडअप हो जाता है। सुचारू रूप से अगर किसी भक्त से पूछा जाए आप शिव जी की क्या स्थिति समझते हैं तो सबके अलग अलग उत्तर मिलेंगे आपको इस्कॉन के अंदर भी। तो एक जगह अगर उसको समन्वय किया जाए हार्मोनाइज किया जाए तो क्या उसका उत्तर होगा वो आज हम सुनेंगे समझेंगे। तो मेरे साथ में शिव जी की प्रार्थना करते हुए इसको प्रारंभ करेंगे, आगे सब लोग बोलेंगे शिव जी के लिए जिन्हें क्षेत्रपाल कहा गया है। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ वहाँ शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में द्वारपाल के रूप में हैं। आप मथुरा जाएंगे तो वहाँ पर आपको भूतेश्वर महादेव मिलेंगे, आप वृंदावन जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव, अगर आप गोवर्धन जाएंगे तो चकलेश्वर महादेव, आप कामावन जाएंगे तो कामेश्वर महादेव, आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो वहाँ पर केदारनाथ, अगर आप जाएंगे भुवनेश्वर होते हुए जगन्नाथ तो आपको लिंगराज, हर जगह क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान। यानी कि ये क्षेत्रपाल कौन है, बोलते हैं भागवत में निम्न गणाम यथाम गंगा, जैसे बहने वाली नदियों में अगर श्रेष्ठ देखा जाए तो गंगा जी को श्रेष्ठ बताते हैं, जबकि तत्व की दृष्टि से यमुना गंगा से 1000 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी संसार की दृष्टि में अगर देखा जाए तो सभी नदियों में से, क्योंकि यमुना जी नदी नहीं है ना, यमुना जी तो भगवान श्री कृष्ण की और बलराम के संगी हैं, उनकी उनकी एक परिवार का हिस्सा है। जैसे वृंदावन धाम को कभी तीर्थ या अन्य अन्य धामों के बीच में उसको कोई कॉम्पिटिशन में रखा नहीं जाता, ये अलग ही है। एक बार प्रयागराज ने पूछा था सारे देवताओं ने, वृंदावन रोने लगा बोला प्रयागराज को तीर्थों का राजा प्रयागराज बनाया गया, मैंने ऐसी क्या गलती करी, आपने सारी लीला मुझ में करी और मेरे को कोई तीर्थ राज नहीं बनाया आपने। तो वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें इसलिए राजा नहीं बनाया क्योंकि अपना घर किसी प्रतिद्वंदी में नहीं आता, कॉम्पिटिशन में नहीं आता है, ये तो मेरा अपना घर है श्री वृंदावन धाम, ये कोई कॉम्पिटिशन में, अगर मान लो आप जज हो तो क्या अपने बच्चों को उस कॉम्पिटिशन में डालेंगे, बोले ये तो बायसनेस हो गई, अपने बच्चों को डाल दे प्रमोट तो वही हो जाएंगे, उन्हीं को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो जो जज होता है उसके बच्चे कभी कंपटीशन में नहीं जाते, तो वृंदावन धाम कंपटीशन में नहीं है, इसलिए यमुना किसी कंपटीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वृंदावन की जो यमुना है वो गंगा जी से 1000 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है।
जैसे लोग कहते हैं अस्थि विसर्जन करो गंगा जी में जाके, लेकिन व्रजवासी चाहते हैं हमारा अस्थि विसर्जन हो यमुना जी में जाकर। ये भाव होता है यमुना जी जो है, और यमुना भी दो प्रकार की हैं, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया, एक कालिंदी और एक यमुना। कालिंदी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, और यमुना जी बलराम की सखी हैं। जब बलराम जी ने अपनी लीला करी, वृंदावन के पास क्षेत्र है खेचा दाऊ जी मंदिर, जहाँ पर दाऊ जी ने हल लगा करके यमुना जी को बुलाया, और जब वो नहीं आई तो खींच दिया अपनी ओर, तो उनका डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया, ऐसे जा रही है फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्यों बोले, क्योंकि वृंदावन में दो यमुना है, एक यमुना जो कि जल रूप में बहती हैं, जो कि बलराम जी की सखी हैं, गोपी हैं, और जो कालिंदी हैं वो स्वरूप जो है वो है भगवान श्री कृष्ण की पटरानी। तो कई बार इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि कालिंदी और यमुना एक ही हैं, गाते हैं भजन में कई जगह पर, परंतु प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया बलराम लीलाओं में कि नहीं, ये दोनों अलग हैं। तो इस प्रकार जो वृंदावन के जो वासी हैं वो श्री भगवान शिव से क्या प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं वृंदावन अवनी पते जय जय सोम मोले। वृंदावन अवनी पते यानी वृंदावन के द्वारपाल जो आप हैं, जय जय सोम मोले, आपके मस्तक पर जटा जूट के ऊपर अर्धचंद्र विराजमान है सोम, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये वृंदावन वासी शिवरात्रि के दिन ये प्रार्थना करते हैं शिव जी से, नफरत नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, अरे देवता की पूजा हम नहीं करते, जब से हमने कृष्ण को ज्वाइन किया ना शिव जी को तो हमने छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं है। ये भाव वृंदावन वासियों का नहीं है। वृंदावनम अवनी पते जय जय सोम मोले, सनक सनंदन सनातन नारद यारंगे। ये कैसे हैं सनक सनंदन सनातन नारद, उनके द्वारा भी पूजनीय है। बोले क्यों पूजनीय क्यों है, बोले क्योंकि ग्रस्त होकर के भी ध्यानस्थ रहते हैं, वरना ध्यानस्थ रहने के लिए व्यक्ति सोचता है ब्रह्मचारी बनो या सन्यासी बनो तभी ध्यानस्थ रह सकते हो, भगवान का भजन तो उसी स्थिति में हो सकता है, घर परिवार के साथ कौन भजन करेगा। भगवान शिव कहते मैं करूंगा। ध्यानस्थ कैसे हैं, ग्रस्त रहते हुए भी ध्यानस्थ हैं। तो लोग बोलते हैं अरे शिव जी ध्यानस्थ अवस्था में कहाँ हैं, उनका तो युद्ध हुआ ना दक्ष प्रजापति के साथ में, तो उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते कि वो मुक्त हैं सभी प्रकार के द्वेष से या सभी प्रकार के किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से मुक्त हैं। कहते नहीं, ऐसा भाव रखना ये भगवान शिव के प्रति अपराध करने के समान है। श्रीमद् भागवतम के चतुर स्कंद के दूसरे अध्याय, हरे कृष्णा, तो उसके दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में बताया है चतुर स्कंद, कस्तम चरम गुरु निर्वयम शांत विग्रहम आत्मरामम कथम द्वेष्टि जगतो देवतामहत। ये बोला गया जब ये सुनने की इच्छा प्रकट हुई परीक्षित के मन में, कैसे हो गया, हमने सुना सती माता ने जब अपना आत्मदाह किया तो इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया भगवान को, तो भगवान भक्त कैसे, वैष्णव शिरोमणि जैसे बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, और उसी प्रकार से हम कहते हैं कि देवताओं में देवता नाम अच्युतो तथा, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो बोले अगर अच्युत श्रेष्ठ हैं तो वैष्णवों में कौन श्रेष्ठ है, कहा वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णवों में शंभु जी श्रेष्ठ हैं। इसके साथ मोगलिया प्रभु जी की जय, स्वागत प्रभु जी आपका। तो बताया गया कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोले शिव जी शंभु श्रेष्ठ हैं, और बताते हैं कि जितने भी ग्रंथ हैं उसमें से श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रेष्ठ है। तो कई लोग बोलते हैं जी शिव पुराण में तो शिव जी को बताया गया है वो शिवलिंग के ऊपर नीचे घूम रहे थे। बोले नहीं नहीं, शिव पुराण में जो बताया गया उससे आप कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वेद व्यास जी ने तीन प्रकार के पुराण लिखे, सत्वगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण और तमोगुणी पुराण। तो बोले सत्वगुणी पुराण क्यों लिखा, बोले सत्वगुणी लोगों को भगवान की भक्ति देने के लिए। रजोगुणी पुराण क्यों लिखा, बोले भगवान के जो रजोगुणी लोग हैं उनको भगवान की भक्ति देने के लिए। और तमोगुणी पुराण क्यों लिखा, बोले तमोगुणी लोगों को भगवान की भक्ति देने। अब भूत प्रेत ये सब कौन है, तमोगुणी है, शमशानवासी, इनको भक्ति कैसे मिलेगी, इनको भक्ति मिलती है शिवजी की कृपा से,
इसीलिए उनके आराध्य देव हैं भगवान शिव। तो बोले खाली उन्हीं के आराध्य देव हैं? बोले नहीं, चरा चरम गुरुम, चर और अचर, चलने वाले और ना चलने वाले सभी प्राणियों के गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? ऐसा क्या गुण है? तो यहां पर बता रहे हैं, ऐसा गुण है कस्तम चरा चरा गुरुम निर्वैरम। वैष्णव क्यों है सबसे श्रेष्ठ? पहला गुण है शिव जी का निर्वैरम, किसी से वैर नहीं करते, कोई द्वेष नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है उनका, कोई भी भगवान शिव का दुश्मन नहीं है, निर्वैरम। बोले अगर किसी वैष्णव का कोई वैरी है, बोले आप उसको वैर मानते हैं, कह इसको नहीं छोड़ूंगा अगली बार, निर्वैरम, तब वैष्णव बनता है कोई व्यक्ति। और वैष्णव में श्रेष्ठ शिव जी, किसी से आज तक द्वेष नहीं किया, भूत प्रेत शमशान इनसे भी द्वेष नहीं करते, तो औरों की तो क्या कही जाए, निर्वैरम। और कैसे हैं? शांत विग्रहम, शांत विग्रह, अशांत नहीं है, शांत विग्रह, हमेशा ग्रस्त होके भी ध्यानस्थ मुद्रा में दिखते हैं, शांत विग्रहम। तो शिव जी कैसे हैं? शांत, बोलते हैं ना भगवान के भक्तों को शांत आया, शांत होना चाहिए। आत्मा रामम, अब यहां पर इस शब्द से कई बार लोग घबरा जाते हैं, आत्मा रामम, बोले ये तो श्री कृष्ण को भी बोला जाता है आत्मा रामम, आत्मा में रमण करते हैं, यानी अपने आप में ही रमण करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहां पर आत्मरम, ये वो वाला आत्मरम नहीं है कि अपनी आत्मा में रमण करते, यहां पर आत्मा का मतलब है परमात्मा, यानी कृष्ण में हमेशा उनका ध्यान लगा रहता है, आत्मा रामम। और कथम द्वेष्टि, किसी से आज तक उन्होंने द्वेष नहीं किया, किसी से भी द्वेष नहीं किया शिव जी ने, कथम द्वेष्टि, कोई द्वेषी नहीं। जगतो देवताम महतम, तो सोचिए भूत प्रेतों पर इतनी कृपा करते हैं, तो अगर वैष्णव लोग उनका भजन करेंगे तो उन पर कृपा नहीं करेंगे, तो सोचिए कितनी बड़ी कृपा कर सकते हैं, शिव जी के पास इतनी शक्ति है। तो इसीलिए कह रहे हैं वृंदावन वासी कि सनक सनंदन सनातन नारदियांगे, ये सभी आपकी उपासना करते हैं। लोग बोलते हैं ऐसी उपासना करते हैं तो अपने ससुर जो कि बन गए थे असुर उनसे उन्होंने युद्ध क्यों कर लाया, इतना द्वेष क्यों दिखाया, ऐसे गुस्सा क्रोध क्यों व्यक्त किया उन्होंने। बोले श्रीमद् भागवत में दो प्रकार के प्रसंगों का वर्णन है, और दो प्रकार के प्रसंग कौन से? एक हैं जो कि भक्त अनुकूल भक्ति का व्याकरण बता रहे हैं, भक्त अनुकूल भक्ति, और एक है भक्त प्रतिकूल भक्ति, यानी कि भक्त प्रतिकूलता के अनुसार नहीं था, अपोजिट चल रहा था, फिर भी उसको भक्ति प्रदान करी गई। इसके प्रसंगों में अगर हम देखें तो एक प्रसंग है भक्त अनुकूल भक्ति, ये कौन से प्रसंग है? बोले जो सुखदेव गोस्वामी का प्रसंग है, विदुर का जो संवाद है, पांडवों का जो संवाद है, ध्रुव प्रहलाद के जो चरित्र हैं, ये भक्त अनुकूल भक्ति के वर्णन कर रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, डूज डूज ऑफ भक्ति, ये करना है, यम नियम ये करना है, और जो नहीं करना है वो हो गए भक्त प्रतिकूल भक्ति। वो क्या है? बोले उसमें है अजामिल, शौबरी ऋषि, इनके प्रसंग आ रहे हैं, और किसका प्रसंग आ रहा है? बोले दक्ष प्रजापति का प्रसंग, ये नहीं करना है। हाँ, ऐसा मत समझ लेना, बोले दक्ष ने भी तो किया था अपने दामाद को गुस्सा, हम भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, भागवत में दोनों प्रकार का है, भक्त अनुकूल और भक्त प्रतिकूल, ये डूज हैं और वो लीलाएं डोंट्स हैं, ये नहीं करना है। अजामिल की तरह लोग बोलते हैं देखा ये भी तो तर गया था लास्ट में नारायण बोल के, हम भी लास्ट में बोलेंगे राम राम राम, फिर नहीं बोला जाता, फिर बोलते बाबूजी बोलो राम, बाबूजी बोलो राम, गला कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर अंत में राम नहीं आता। जन्म जन्म ऋषि तप कराही, अंत राम कहे आवत नाही, राम याद नहीं आते अंत में, तो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए कि अंत में भगवान का नाम स्मरण। अजामिल पर बड़ी अहेतु की कृपा करी भगवान ने, पूर्व जन्म के भक्त थे इसलिए उनको भक्ति मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति पूरा जीवन मजे करे और एंड टाइम में नारायण 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 हाँ निकल गया, ऐसा नहीं होगा, इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अजामिल का जीवन भक्त प्रतिकूल भक्ति है, उसको नहीं करना है। वही लोग प्रश्न पूछने आते हैं, दक्ष ने ऐसा किया, अजामिल ने ऐसा किया, तो हम भी तो कर सकते हैं। अरे ये नहीं करने के लिए भागवत में वर्णन है, करना क्या और क्या नहीं करना। भक्ति भी तीन प्रकार की बताई, बोले एक सत्वगुण भक्ति, एक रजोगुण भक्ति और एक तमोगुण भक्ति। सत्वगुणी भक्ति का वर्णन भी भागवत में है। सत्वगुणी भक्ति क्या है? सत्वगुणी भक्ति है जिस प्रकार की भक्ति सत्वगुण रूप से पांडवों ने करी, ये सत्वगुणी भक्ति का उदाहरण है, पांडवों ने करी।
बोले रजोगुणी भक्ति, बोले रजोगुणी भक्ति वो है जो ध्रुव महाराज ने करी, यानी सकाम भक्ति, अपनी इच्छा से भगवान के पास गए, मुझे अपने पर दादा से ऊंची गद्दी चाहिए। ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, मेरे पर दादा से यानी ब्रह्मलोक से भी ऊपर मुझे गद्दी चाहिए, सकाम भाव से भक्ति करी, इसे रजोगुणी भक्ति कहते हैं, जब कामनाओं के साथ भक्ति की जाए। और क्रोध आवेश और द्वेष से जो भक्ति होती है उस भक्ति को तमोगुणी भक्ति कहते हैं। लगेगा तो तिलकधारी है, कंठीधारी है, धोती कुर्ता पहनता है, इस्कॉन में आता है, इनिशिएटेड है, लेकिन द्वेषी है तो ये तमोगुणी भक्ति का अंग है, ये सत्वगुणी रजोगुणी भक्ति में भी नहीं आ रहा है। तो उसका उदाहरण कौन है? दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति इस तमोगुणी भक्ति का उदाहरण है कि तमोगुण में भी लोग भक्ति कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसमें भी भक्ति हो रही है, लेकिन वो तमोगुणी भक्ति है। तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? बोले ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए भोले बाबा आते हैं। तब बोल रहे हैं गोपेश्वर व्रज विलास युगांग्री पदे। भक्त लोग कहते हैं हमें क्या दे दो? व्रज विलास दे दो। गोपेश्वर, गोपियों के जो ईश्वर कृष्ण हैं, उन्हीं के भाव को लेकर शिवजी को भी गोपेश्वर महादेव नाम पड़ा। शिवजी भी चाहते हैं कि मुझे रासलीला में भाग लेने का मौका मिले, तो शिवजी को गोपी ड्रेस पहना करके एंट्री कराई गई रासलीला में। तो जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आज कुछ अद्भुत है, वो आनंद नहीं आ रहा जो आनंद रोज आता है, वो आनंद नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो जाकर के उन्होंने बोला ललिता विशाखा तुम जाकर के देखो कि कौन है आज ऐसा अद्भुत जो कि मेरे को आज रासलीला में ऐसा लग रहा है कोई एक्स्ट्रा पार्टी एंट्री कर गई है, कौन है जाओ देखो। तो जाकर के उन्होंने चेक करना शुरू किया, भगवान कृष्ण घूम रहे थे, ललिता विशाखा सबके घूंघट होते थे ना, पहले लज्जावान होते थे, अभी तो घूंघट का मतलब भी नहीं पता, तो वो घूंघट उठा उठा कर देख रहे थे, बोले कौन है कौन है कौन है। तो देखा एक घूंघट उठाया, देखा मूछ दाढ़ी वाले, हाथों पे थोड़े थोड़े बाल भी ज़्यादा हैं और मोटे मोटे हाथ हैं, पकड़ा बोले बाबा आप कृष्ण भगवान के पास ले आए। बोले भगवान ये आए हैं आज। बोले अरे आप कहाँ से आए बाबा? बोले अरे मेरे को आपका ये रासलीला देखने की बड़ी इच्छा थी। बोले नहीं नहीं ऐसे रास में प्रवेश नहीं मिलता। कैसे मिलता है? बोले प्रीति प्रयच्छ नितराम निरुपाधिकाम में। भक्त कहते हैं निरुपाधिकाम में, मुझे कोई उपाधि से मैं मुक्त हो जाऊं, सारी सारी उपाधियां जो है ना, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, मैं सारी उपाधियों से मुक्त हो जाऊं। मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट हूं। भक्त हो सकता है लेकिन प्रेसिडेंट अगर भाव आ गया तो क्या हो गया? उसको उपाधि अटक गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रेसिडेंट है उसमें भक्ति का भाव नहीं है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। कई बार लोग लेते खड़े, अरे एक लेक्चर में सुना यू कैन बी जीबीसी, यू कैन बी प्रेसिडेंट, बट टिल द टाइम यू आर नॉट हम्बल, यू आर नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। बोलते देखा हमें पता चल गया अभी कोई डिवोटी नहीं हमारी कॉन्ग्रीगेशन में। तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं, अगर कोई ऊंचे पद पर है और वो भक्ति कर रहा है, तो जितने लोग स्टेबिलिटी से भक्ति कर रहे हैं ना हमारे इस्कॉन में, वो सभी उच्च अधिकारी हैं और सब भक्त हैं भगवान के, इसीलिए कर पा रहे हैं। अन्यथा शिवजी क्यों भगवान के इतने सारा शमशान में, वैराग में, सब में, हर जगह जगह वो है, बताया ना अभी, वैरागी नंबर वन वैरागी है, उनके अंदर वैराग है। बोले वैराग कब आता है? कब आता है वैराग? बोले जब भगवान से राग होता है तो संसार से वैराग होता है। राग का मतलब होता है अटैचमेंट। भगवान से, कृष्ण से राग नहीं है तो दुनिया से वैराग नहीं। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की जय, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बताते हैं कि राग होगा कृष्ण से तो वैराग होगा दुनिया से। बोले हम वैरागी नहीं बन पा रहे प्रभु जी, सब कुछ है, वैराग नहीं आ रहा, डिटैचमेंट नहीं हो रहा, माया में फंसे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं क्रिया, लेकिन वो वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका कृष्ण से राग नहीं हुआ। एक कमरे में बल्ब रह सकता है तो अंधकार नहीं रह सकता, अंधकार रहेगा तो बल्ब नहीं रह सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोले लाइट जल रही है लेकिन अंधेरा बहुत है, बोले सूरज निकला है लेकिन रात्रि लग रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कृष्ण है तो फिर इसका मतलब वहां माया नहीं रह सकती, अगर कृष्ण नहीं है तो वहां माया है। इसका मतलब अगर वैराग नहीं है, क्योंकि आपका कृष्ण से राग नहीं, जिस दिन राग होगा, अभी संसार में राग है इसलिए भगवान से वैराग हो रखा है, माला से वैराग हो रखा है, ग्रंथों से वैराग हो रखा है। बोले हमारा वैराग तो है ग्रंथों से है, माला से है, 16 माला जपने के बाद कील पे टांग देते हैं, बोले अब अगले दिन ही मिलेंगे तुमसे, बस तब तक तुम लटकी रहो है। तो वैराग तो है लेकिन माला से है, ग्रंथ
बोले प्रभु जी जब से दिए हैं तब से यथारूप रखे हुए हैं। बोले प्रभुपाद ने कहा था यथारूप, जैसे दिए वैसे ही। कुछ कुछ घरों में तो भागवतम पॉलिथीन में रखा हुआ है, अभी तक खोला नहीं है। जब लाइफ मेंबर बने थे 15 साल पहले तब मिला था। श्रीमद भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप, वाक्यमय स्वरूप बताया, वो स्वरूप पॉलिथीन में बंद रखा है आपके घर में, और आप कह रहे भगवान नहीं मिल रहे। जो मिले हुए हैं उनको आपने बंद किया हुआ है, उसे आप खोल नहीं रहे हो। ये आचार्यों की कृपा भरी हुई है इसके अंदर। बोले हम फॉर्चुनेट नहीं थे, वी कुड नॉट मीट प्रभुपाद। बोले यू आर अनफॉर्चुनेट, अभी भी अनफॉर्चुनेट ही हो आप। बोले क्यों? वो आप कभी मिलोगे भी नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि जिसका फॉर्च्यून अराइज होता है ना, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, भगवान जिस पर अपनी अनुकंपा करते हैं तो क्या करते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वताम, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देते हैं। उसको समझ में आता है भागवत क्या है, गीता क्या है। वरना आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का दर्शन, उसके बाद गोविंदा, लड्डू काउंटर और रेस्टोरेंट खाऊंगा। एक भक्त मिले थे मेरे को, बोले और ठीक है प्रभु जी, मैंने कहा आजकल द्वारका में? मैंने कहा मैं तो शुरू से उधर ही हूँ। खरे अच्छा अच्छा हाँ हाँ आप तो वहीं हैं वहीं हैं, तो कैसा चल रहा है मंदिर? मैंने कहा बस कृपा है ठाकुर जी गुरु महाराज की, बन रहा है चल रहा है। खरे अच्छा प्रभु जी, और आपके यहाँ गोविंदास खुला? मैंने कहा फिर आते हैं प्रभु जी। मतलब भक्ति कथा पूछ रहे हैं आप, इतनी भागवत करते हैं हम कभी आएंगे? कुछ नहीं पूछा, गोविंदा खुला। मैंने कहा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, खरे फिर आते हैं आपके। तो वैराग है उनको ग्रंथों से, वैराग है कथाओं से, वैराग है भक्तों से, वैराग है माला से, क्योंकि राग है संसार से। और राग हो जाए भगवान से अटैचमेंट, तो संसार से वैराग है। तो यही बात है, प्रीति प्रयच्छ नितराम, हमें ऐसी प्रीति दे दो भगवान कृष्ण से, हे शिवजी हे भोलेनाथ, जैसी आपके अंदर। कैसी प्रीति है? आप एक बार में कितनी माला कर सकते हो? बोले एक स्थान पर बैठकर जो 16 माला कर ले, बाकी सारे लोग आकर उसे दंडवत प्रणाम करते, कह रहे अरे बहुत अच्छा साधक है हमारे इस्कॉन मंदिर में। सारे भक्त 8-10 माला के बाद टहलने लगते हैं, लेकिन ये 16 माला पूरी करके उठता है। तो शिव जी अगर एक बार में माला करते हैं तो पता कितनी माला करते हैं? बताते हैं सन 88,000, एक बार में 88,000 माला का जाप करते तब उठते हैं अपनी गद्दी से। 88,000 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, उनके पास समय ही नहीं है। ग्रस्त हैं पर ध्यानस्थ हैं, उनको पता ही नहीं रहता बच्चे कहाँ, परिवार कहाँ, खाना कहाँ, पीना कहाँ। इसलिए लोगों ने जो नशेड़ीबाज हैं उन्होंने शिवजी की पार्टी ज्वाइन कर ली। बोले ये तो जहर पिए थे हलाहल महाशिवरात्रि के दिन, तो हम लोग भी गांजा पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं। तो गंजेड़ी लोग जो होते हैं वो अपनी पार्टी का हेड बना के रखते हैं शिवजी को। बोले भारी भरकम हमारी साइड रहेगा तो कोई हम पर दोष नहीं उठा सकता। हम कहेंगे उन्होंने भी हलाहल पिया था, जहर पिया था, हम पी रहे हैं तो गलत क्या है? तो हम उनसे कहते हैं नशेड़ियों से गंजेड़ियों से कि आप पियो अगर पीना है तो, पर जहर पियो। आप ये छोटा जहर मत पियो जो कि धीरे धीरे मारता है, आप सीधा हलाहल पियो। पी सकते हो, कॉपी करनी तो पूरी करो, या आधी कॉपी कैसे? तो ये गलत बात है। जो बकरा खाते हैं ना, जो मांस खाने के बड़े भावुक होते हैं, अरे नॉन वेज तो खाने ही चाहिए, सब तो भगवान ने बना, जीवो जीवस से जीवन हम ले आते हैं कोट निकाल के, जीव तो जीव का जीवन है, हम नहीं खाएंगे तो आबादी नहीं बढ़ जाएगी, इन्हें तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए रखा हुआ है। इनको ये नहीं पता कि पॉपुलेशन बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। जो लोग मांस खाते हैं, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 10 मुर्गे खाए, तो 10 मुर्गों ने बोला प्रकृति के नियम कहते हैं आज तुम एक जीव को मारोगे कल वो जीव तुम्हें मारेगा, यही तो है कर्म का प्रतिकल प्रतिफल मिलेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो आज आपने 10 मुर्गे खाए अपने जीवन में, वो 10 मुर्गे क्या बन गए? इंसान। और एक आदमी क्या बना? तो मुर्गा एक और 10 आदमी। आप बताओ आप कितने आदमी, आपने अगर 80 मुर्गे खा लिए जीवन में तो आपने 80 आदमी, तो पॉपुलेशन कौन बढ़ा रहा है? नॉन वेजिटेरियन बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे लोगों को पकड़ लेना चाहिए नॉन वेजिटेरियन को, और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऑफिस के बाहर खड़ा करना चाहिए। बोले ये कंट्रासेप्टिव से कुछ नहीं होने वाला, पहले नॉन वेज बंद करो, इसी से होगा पॉपुलेशन कंट्रोल। तो फिर बताते हैं कि जो बकरा खाने वाले हैं ये देवी काली को अपनी पार्टी का हिस्सा बना लेते हैं। बोले हमारी लीडर है काली चंडी, ये मांस खाती है तो हमने कहां गलती करी? तो इस तरह से नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार एक व्यक्ति आया, बोला अब हमने मांस खाना बंद कर दिया है, अब हम भक्ति कर सकते हैं ना? बोले अब तुमने खाना बंद नहीं किया है, तुम्हारी खाने की हालत ही नहीं रही, क्योंकि दांत टूट गए सारे, चबा नहीं सकते तो बोल रहे हो मांस खाना छोड़ दिया। डायबिटीज हो जाए तो बोले अब प्रभु जी अब वैराग हो गया, अब मीठा खाना छोड़ दिया। अरे भैया तुमने छोड़ा नहीं है, प्रकृति ने छुड़वा लिया है तुमसे।
तो दो प्रकार के लोग हैं, एक अपनी इच्छा से छोड़ते हैं और एक छुड़वाए जाते हैं, है ना। तो भगवान शिव वैरागी हैं, कैसे, जिन्होंने अपने अंतर वाले घर को बंद कर दिया है, बाहर वाले घर से ग्रस्त हैं। क्या पहन रहे हैं, मृग चर्म पहन रहे हैं, हमारी तरह ना धोती कुर्ता, न पैंट शर्ट, न जीन्स, न साड़ी, न कपड़ा, क्या पहन रहे हैं, एक बाघ की चर्म पड़ी है, पड़ी हुई है, उठाकर बांध ली, बेल्ट भी नहीं लगाई, वहीं से एक सर्प को पकड़ लिया, बांध लिया, वो भी खुश है, वैष्णव के साथ जुड़ा हुआ। पाउडर लगाना है, हम लोग टेलकम पाउडर खरीदेंगे, तिलक लेंगे, वो कह रहे क्या लगाओ, मैं इतना टाइम जाएगा, जिस शमशान में रहते हैं उसी शमशान की भभूति उठाकर लगा ली, राख लगा ली शरीर पे, इससे, और साथ में परिवार कितना सुंदर है, परिवार में माता जी हैं, माता जी का वाहन है शेर और भगवान शिव का वाहन है नंदी, और शेर और गाय का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, लेकिन दोनों साथ में विराजमान है। दूसरी ओर पुत्र हुए गणेश और कार्तिकेय, गणपति का वाहन चूहा और कार्तिकेय का मोर। अब चूहा जो है उसको भगवान शिव के गले के सर्प खाना चाहते हैं, और कार्तिकेय जो है उनका वाहन है मोर, मयूर भगवान शिव के गले में पड़े सर्पों को खाना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब, जीवो जीवस जीवनम वाले सुनो, बताया गया है कि जीव और जीव जीव का जीवन नहीं, ये खाली एक बात नहीं है, इसमें बताया गया कि देखो कि ये सारे लोग वैरी हैं एक दूसरे के, इकोलॉजिकल साइकिल के अनुसार, फिर भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर केंद्र में भगवान है, केंद्र में भगवान रहेंगे तो ग्रस्त जीवन में कोई झगड़ा ही नहीं है। पार्थिव रस, संसारी रस पे ग्रस्त बने हुए हैं, शरीर की खुजली हो रही है, उसी के लिए शरीर बस ग्रस्त बन गए, एक है स्वर्गिक रस के लिए, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसके लिए ग्रस्त में पड़े हुए हैं, कह रहे मन तो निकलता रहने का लेकिन समाज क्या कहेगा, इसलिए ग्रस्त में, और एक है जो कि वैकुंठ रस की प्राप्ति के लिए ग्रस्त में है, जैसे शिव जी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ रस प्राप्त है। एक बार राजा चित्रकेतु भगवान शिव के पास आए और देखा शिव ने गौरी को अपनी गोदी में बिठाकर भागवत कथा कर रहे, तो उनको बड़ा अजीब लगा, बोले मतलब और कोई टाइम नहीं मिला अपनी पत्नी के साथ भागवत कथा, क्लास में कोई व्यक्ति कथावाचक अपनी गोदी में पत्नी को बिठा के बैठा हो तो कितने लोग उसको छोड़ देंगे निंदा करने से, अरे ऐसे हैं ये, सबसे बेकार यही हाले, देखा पकड़े गए, पता था पहले से ही, सब पकड़ लेंगे। लेकिन शिव जी जो महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथाम शंभु, गोदी में बिठाकर गौरी को भागवत कथा कर रहे, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों करते हैं, बोले क्योंकि 88,000 माला का जो जप कर रहा है उसके पास पत्नी के लिए टाइम ही नहीं, जब वो टाइम निकालते हैं तो रात को चले जाते हैं ध्यान करने के लिए शमशान में, तो पत्नी कहती है गौरी कि मेरे लिए आपके पास कोई वक्त नहीं है, तो ग्रस्त व्यक्ति क्या करे, अनुकूल करना चाहता है वातावरण को कि घर खराब ना हो, तो कहते चलो मेरे साथ भागवत कथा में बैठेंगे, और लाकर गोदी में बिठा लेते हैं। बोले कितना भी बिठाए, सामने बिठा दे, गोदी में क्यों बिठाया, बोले गोदी में बिठाने का भाव ये है कि श्री कृष्ण की भारंगा शक्ति है गौरी, माया भुवनानी यस्य दुर्गा, तो भगवान की जो काया है, विग्रह है, उसकी छाया है माया, काया है उसकी छाया है माया, तो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति, भारंग शक्ति होने के कारण जैसे गौरी गोदी में बैठती हैं उनको श्री कृष्ण का ध्यान आ जाता है, अरे ये तो भगवान की भारंगा शक्ति है, इस स्मरण से उनका तुरंत ध्यान भगवान में लगता है और मुख से भागवत कथा निकलने लगती है, इस कारण से गौरी को बिठाते हैं। आप सोचो, साधारण जीव सोच सकता है ऐसा, तो इसलिए वैष्णव वैरी क्यों वैरी है, वैराग्य निर्वैरी, कोई निर्वैर, उनका वैर नहीं है किसी से, और वैराग्य बहुत है उनके हृदय में। बोले दो प्रकार का घर है हमारा, एक घर है बाहर का, पति पत्नी परिवार बच्चे, और एक घर है अंदर का। बाहर वाला घर तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बोले हम ना प्रभु जी फल खाते हैं, केवल फल पर ही जीवन जी रहे हैं अपना, फ्रूट्स ओनली, आई डोंट टेक अन्न, मैं अन्न नहीं लेता, मैं फल ही लेता। तो आपको बताएं, तोता भी केवल फल ही खाता है, क्या उसके अंदर वैराग उत्पन्न हुआ, क्या राग आया भगवान कृष्ण से आज तक तोते को? बोले हम तो केवल जल पर रहते हैं, तो प्राणी 84 लाख योनियों में से मछली केवल जल पर रहती, तो क्या उसमें कृष्ण का वैराग है, कृष्ण का राग है, संसार से वैराग है? नहीं है। अगर हम देखें, कोई व्यक्ति कहे हम तो केवल दूध पर ही रहते हैं, केवल दूध लेते हैं, तो कई जीव ऐसे हैं जो दूध ही पीते हैं, जैसे गाय का बछड़ा,
तो क्या उसके अंदर कृष्ण का राग है, कृष्ण भक्ति है? बोले नहीं नहीं जी, हम तो केवल हवा पर रहेंगे जैसे ध्रुव रहे थे वायु पे। कहा सांप भी जो है कभी कभी कई दिनों तक जब उसे भोजन नहीं मिलता तो वायु पर रहने की शक्ति सर्प में है, तो सर्प में क्या भगवान के प्रति राग उत्पन्न हुआ? तो आप किसकी कॉपी कर रहे हो? बोले हम ना गुफा में रहेंगे जाकर के बद्री का आश्रम में, वहां पर कई गुफाएं और 100-100 साल से ऊपर के साधु पड़े हैं वहां पर। बोले हम भी गुफा में रहेंगे। बोले बाहर की गुफा में तो रह लोगे, अंदर की गुफा जो खोल रखी इसको कब बंद करोगे? अंदर भी तो चल रहा है मामला। तो एक वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक साधु बताते हैं कि एक कुटुंब है, जो कुटुंब बनाया है हमने अपने अंदर, ये तो बाहर का है, एक कुटुंब अंदर है। कौन है? बोले मन माता। मन कौन है? नहीं सॉरी, मन पिता। मन क्या है? पिता। मन पिता मनसा माई, मनसा यानी बुद्धि, बुद्धि माई माता बना रखी है, तो माइंड एंड इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि। मन पिता मनसा माई, सुख दुख हैं दो भाई। सुख दुख क्या है? दो भाई हैं हमने बनाए हैं। आशा तृष्णा दो बहने, मिलकर कुटुंब बनाई। हमने कुटुंब बनाया, अपने अंदर का घर है, उसमें 6 लोग रहते हैं, मन बुद्धि सुख दुख आशा और तृष्णा। अब व्यक्ति का मन चंचल है तो यानी कि उसके पिताजी चंचल हैं। अब जिसका पिता चंचल है उसका ग्रस्त जीवन कैसा होगा? तो बिगड़ा हुआ घर। मनसा माई, बुद्धि माई जो है वो लग नहीं रही भगवान में, तो फिर क्या होगा उस घर का? सुख दुख, बोले सुख दुख तो ये अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति हमारे मन की है। एक रेस्टोरेंट में आप गए और उस रेस्टोरेंट में नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं लोग और आप कुछ खाते नहीं हो, आपको कैसा लगेगा? गंदा, दुर्गंध आएगी, बदबू लगेगी। और वहीं जो खा रहा है उसको सो टेस्टी, गर्मा गर्म है ना, चिकन मटन क्या क्या खाते हैं पता नहीं, तो टंगड़ी लंगड़ी सब खा जाते हैं वो, है ना, बड़े खुश होते हैं। और आपको देखकर लगता है हे कैसा जीवन है। अगर नॉनवेज यानी मृत उस जानवर में दुख होता या सुख होता तो एक ही वस्तु से अलग अलग लोगों को सुख और दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? यानी कि वस्तु विशेष में सुख और दुख नहीं है, सुख और दुख तो मन का है। अमोघला प्रभु जी अच्छे से बात कर रहे हैं तो मेरे मन में सुख है, उन्होंने डांट दिया कि भाई तुम कहां गए, वो आते नहीं दिखते नहीं, तो फिर हमारे मन में दुख है। वो वस्तु गलत नहीं है, उस वस्तु का अनुभव मेरे दिमाग में जो है वो सुख और दुख का कारण है। व्यक्ति कोई सुख दुख नहीं दे रहा है किसी को, कोई नहीं दे रहा, कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता संसार में, कि ये सुख देता है ये दुख देता है, दे नहीं सकता, ये सब मन का खेल है। और ये जब हमारा ब्राह्मण गीत आता है ना, जब एल गीत आता है और उस गीत में आता है कि उन्होंने बोला कोई ग्रह नक्षत्र किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। आदमी बोलता है ना शनि की दशा है राहु की दशा है तो सुख दुख है ना, वो कह रहे नहीं। बोले हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्म, बोले नहीं उसमें सब रिजेक्ट किया है भागवत में, बोले नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। तो बोले कौन? तो अंत में वो कहते हैं केवल मन के कारण सुख है, मन के कारण दुख है, माइंड। अब ये मन जो है ये जब तक हमारा अंदर चंचल है, आशा और तृष्णा दो बहने, बहने आशा यानी एक्सपेक्टेशन। एक साधु बोल रहे थे कि मेरी आज तक किसी ने बेइज्जती नहीं करी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कभी तो फील हुआ होगा। बोले नहीं नहीं। बोले आप टॉलरेंट होंगे। बोले ना बिल्कुल भी, मेरी आज तक किसी ने बेइज्जती नहीं करी। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमने आज तक इज्जत की आशा ही नहीं करी कि कोई हमारी इज्जत करेगा। अब हम मंदिर आए, हमारी इच्छा हो हमें माला पहनाई जाए, हमारा स्वागत हो, प्रभु जी तमीज से बात नहीं कर रहे, उन्होंने दंडवत नहीं करा, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने भोजन नहीं पूछा। आप जिस उम्मीद से आएंगे उतनी ही स्पीड से आपको धक्का लग सकता है क्योंकि आपने उम्मीद करी। आप उम्मीद रहित रहें कि संसार में कोई नहीं है, जैसे शिव जी ने मान रखा केवल हरि और गुरु बस ये मेरे हैं, फिर आपको किसी से इज्जत की कामना नहीं। तू बेइज्जती कर, तू गाली दे या इज्जत दे, दोनों तरह से हम आपको नमस्कार करते हैं, फिर कभी आपको टेंशन नहीं हो सकती। तो सुख दुख मन का अनुभव, आशा जब तक रहेगी तब तक दुख है। तो शिव जी के जीवन में कोई आशाएं नहीं है किसी से, यहां तक कि अपनी सती से भी उन्होंने कोई आशा नहीं रखी। सती जब गई भगवान को टेस्ट करने के लिए राम को कि वन में विचरण करने वाले ये दो बालक कौन है, तो उन्होंने बोला हाँ ये विचरण करने वाले श्री राम लक्ष्मण है। कहा राम लक्ष्मण ये प्रभु कैसे हो गए, आप किसका ध्यान करते हैं?
तो शिव जी कहते हैं सती से कि मैं ध्यान करता हूं भगवान राम का। कहो जिनका आप ध्यान करते हो जंगल में भटक रहे अपनी पत्नी के लिए, आप इतने बड़े वैरागी और ये ऐसे पत्नी के प्रति ऐसा दिखा रहे हैं प्रेम, ये तो एकदम लंपट आदमी है, ये कैसे आप बोल सकते हैं कि ये वैरागी है, ये भगवान आपके भगवान है। तो उन्होंने कहा देखो ज्यादा बोलो मत, बोल वचन मत करो, सच्चाई ये है राम जी ही भगवान है मेरे और तुम बीच में मत पढ़ो। तो बोली मैं एक बार टेस्ट करके आती हूँ। बोले बिल्कुल भी नहीं, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने गई तो फिर देखना। अरे अच्छा, अरे ऐसे थोड़ी। तो शिव जी बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी है जाओ। शिव जी से जब गई परीक्षा लेने, सीता जी का रूप रखा, शिव जी सामने थे, तो उन्होंने जाकर के बोला कि हे बोले हे राम, लो मैं आ गई। वो सीते 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 कहते हुए जा रहे थे। राम जी ने जैसे देखा सीता माता तो वो समझ गए तो सती हैं, राम भगवान है अंतर्यामी परमात्मा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हे माई आपको क्या आवश्यकता पड़ गई जो आपको सीता का रूप लेना पड़ा। अब तो बड़ी बेइज्जती हुई, बोले मतलब पकड़ी गई। और वो देख रही हैं ऊपर शिव जी ने तो नहीं देख लिया। गई शिव जी के पास, शिव जी ने पूछा आ गई टेस्ट करके। बोले नहीं मैंने किया ही नहीं, झूठ बोल दिया। शिव जी बोले तो हो ही नहीं सकता, तुम गई थी तो कुछ ना कुछ कांड तो करके आई हो। कह रहे नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। बोले नहीं मैं गई, मैंने जाकर के प्रणाम किया और चले आई। तो शिव जी ने मन में सोच लिया इसने मेरे प्रभु की परीक्षा ली है, आज से मैं इसका त्याग करता। इतना वैराग्य है उनको, पत्नी से भी बोले तो मेरे भगवान की नहीं तो तू हमारे काम की नहीं, उसको भी छोड़ देते। सोचो आप छोड़ सकते हो, ये हमारे ना भगवान को नहीं मानते तो छोड़ दो, है दम। पत्नी क्लेश बहुत कर रही है तो छोड़ दो, नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि हम अभी वैरागी नहीं है। और वैराग क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण से राग नहीं है, भक्ति नहीं है हमारे। तो शिव जी इस बात का दिखा रहे हैं कि चली गई सती, कूद गई। तो बोले क्रोध व्यक्त किया उन्होंने, जो शांत है शांत विग्रह जो कभी अशांत नहीं होते उनको इतना क्रोध कैसे आ गया। तो उसके बारे में वर्णन करने के लिए हम श्रीमद् भागवत के प्रसंग को पढ़ेंगे। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो सृष्टि की रचना प्रारंभ होने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्यभार सौंपा गया। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चार कुमारों को उत्पन्न किया, चतुष्कुमार। चारों कुमार बोले हम सृष्टि रचना में आपकी मदद नहीं कर सकते, हम तो तपस्या करेंगे भजन करेंगे बैठ के। बोले अरे अजीब हो, मेरे पुत्रों मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो कुमारों ने बोला हम तो एक संप्रदाय बनाएंगे और उसका नाम होगा कुमार संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय। तो हम तो उसमें भक्ति करेंगे, हम शादीवादी नहीं करेंगे। कहा ठीक है। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए अब मैं क्या करूं कैसे करूं। तो ब्रह्मा जी बड़े जब दुखी थे तो उन्होंने उस क्रोध उस रुदन की अवस्था में दुखी मन से, जब हमने कहा ना मन सुख और दुख मन का है, मन में जब दुखी थे तो कहते हैं ध्याया निग्रहमाणम अपि ब्रुवो मध्यात प्रजापते सद्यो अजायते तत् मन्यो कुमारो नील लोहिता। नीले और लाल रंग का एक बच्चा पैदा हुआ जो ब्रह्मा जी के भ्रगुटी के मध्य भाग से प्रकट हुआ। तो शिव जी की उत्पत्ति का दिन कौन सा? बोले शिव जी उत्पन्न हो रहे हैं जब ब्रह्मा जी रुदन कर रहे हैं। सवे रू रुद्रो देवानाम पूजनो भगवान भव, कहते हैं सबने उनकी पूजा करी ब्रह्मा जी की। ये क्या प्रकट किया है? क्योंकि जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, मैं कौन हूं मैं कौन हूं, रू रुद्रो रो रहा था। शिव जी दुखी हुए तो बच्चा भी वैसे हुआ। तो माता पिता के संस्कार ही बच्चों में आते हैं। एक बार एक बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को पैदा होते ही माँ का स्तनपान कराया जाता है। तो माँ का स्तनपान कराने के लिए माँ के पास रखा गया कि माँ आप इसको पिलाइए। तो स्त्री कह रही है मैं पिला तो रही हूँ लेकिन पी नहीं रहा और रो रहा है, चिल्ला रहा है, रू रुद्रो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? तो बिठा दिया, एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है ना, किसी भी तरीके से नहीं ले रहा है, इसको जीवित ही नहीं रहेगा ये, तो इसको पिलाओ कैसे पिलाए। तो स्त्री से पूछा गया आपकी दिनचर्या बताइए, जब ये गर्भ में था आप क्या करती थी? तो उसने बताया मैं नौकरी पर जाती थी, ये करती थी। बोले फ्री टाइम में क्या करती थी? आई जस्ट स्मोक, मैं स्मोक करती थी, आई फॉलो शिव जी तो मैं स्मोक करती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा शिव जी को फॉलो करती थी, शिव जी ने कब सिगरेट पी भाई, शिव जी ने कब गांजा पिया? वो एक फोटोग्राफ भी बना दिया है कांवड़ वालों ने ना, शिव जी गांजा पी रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता है देखने में कि शिव जी गांजा पी रहे। शिव जी ने हलाहल पिया ये फोटो था, लेकिन उसकी करप्टेड फाइल ये है कि उसको गांजा पकड़ा जाएगा शिव जी को।
तो अपने मत अवलंबी जो है शिव के, वो सोचते हैं अपनी पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए शिव का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि भोले बाबा हैं, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भोले बाबा भोले नहीं है इतने, यहां पर बताया गया है रू रुद्रोहो, जोर जोर से चिल्लाए। तो वो जब बच्चा रो रहा था तो डॉक्टर ने, साइकोलॉजिस्ट ने कहा अच्छा स्मोक, तो एक सिगरेट मंगाई जाए। तो एक सिगरेट मलाई जला करके अभी नवजात शिशु के मुख में जैसे ही लगाई, तुरंत बच्चे ने रोना बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा एक आर्टिकल आया था इसका, ये कोई मतलब ऐसी वो नहीं है, सच घटना है, सत्य बॉम्बे की घटना है। माताएं जो पी रही हैं साउथ एक्स में खड़े होके, ना सोच लो आगे क्या होने वाला है, ये बच्चे दूध नहीं पियेंगे, फिर वही ब्लैक एंड व्हाइट क्या रेड एंड व्हाइट क्या होता है जो भी, वो पियेंगे सब, वो पियेंगे बचपन से। आजकल बच्चे स्कूलों में पी रहे हैं वैपे, है ना वैपे, मुझे तो मालूम भी नहीं था, बच्चों ने बताया कि आजकल स्कूल में वैपे पिया जाता है। मैंने कहा ये क्या होता है, बोले पियोगे लिक्विड मुंह से धुआं निकलेगा, उसको वेपर्स निकलते हैं, इसको वैपे कहते हैं। और आज आपको पता रहना चाहिए ताकि आप अपने घर में चेक कर सकें, बच्चे आजकल इलेक्ट्रिक पैन यूज कर रहे हैं, उस पैन को वैपे बोलते हैं। तो ये पी रहे हैं और बोलते क्या है, शिव जी पीते हैं तो हम भी पीते हैं। तो ये गलत भावना के साथ ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो रुद्र जब प्रकट हुए तो उनको कहा, क्योंकि तुम जोर जोर से रू रुद्र हो, चिल्लाए थे रोए थे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। और ब्रह्मा जी ने कहा हे बालक, तुम 11 अन्य अन्य रूपों में जाने जाओगे। तो रुद्र 11 प्रकार के हैं, जिनका नाम है मन्यु, मनुहु, महीनसह, महान, शिव, ध्रुतु ध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत। ये 11 रुद्र प्रकट किए, जिसमें एक रुद्र का नाम शिव भी है। तो लोग सोचते हैं रुद्र और शिव अलग अलग, बोले नहीं, रुद्र का एक नाम शिव है, एक नाम शिव है। और बोले 11 इनकी पत्नी बताई, बोले तुम्हारी 11 पत्नी होंगी, क्योंकि प्रजापति हैं तो प्रजनन करने के लिए पत्नी देनी है। तो कहा तुम्हारी 11 पत्नी होंगी, धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। तो जो अंबिका है, ये अंबिका कानन में लिंगराज मंदिर में शिवजी के साथ भागवत कथा का आदान प्रदान करती हैं, उन्हीं के कारण अंबिका कानन लिंगराज जो भुवनेश्वर है, ये पहले अंबिका कानन था जहां पर प्रथम भागवत शिवजी ने अपनी पत्नी अंबिका को सुनाया था। तो आप सोच सकते हैं कि अंबिका कानन ये अंबिका माता शिव की पत्नी है और बाकी सबका आपस में कॉम्बिनेशन है। तो बोले कि ये जब प्रकट हुई, प्रकट हुए दोनों, और इन्होंने ऐसी सृष्टि कर डाली, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, है ना, ऐसी सृष्टि कर दी। तो देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले सृष्टि कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो मतलब हुहाकार, उसमें से कुछ तो ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ रहे थे। बोले ये तुम क्या करवा रहे हो, पिताजी खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम अभी सब कुछ सृष्टि बंद करो और बस एक ही काम करो, क्या, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो इसमें बता रहे हैं तपसा एवं परम ज्योति, तब से ही भगवान तपस्या में बैठे। दिखता है ना फोटोग्राफ में, आंख बंद किए हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। तो पार्वती ने एक बार पूछा किसका ध्यान करते हो आप, बोले मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। बोले किसका ध्यान करते हो, विष्णु का, बोले आपने पुराण में बताया है कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात परतरम देवी तद्यानाम समर्चनम, जितनी भी आराधना है उसमें विष्णु आराधना परम है, तो विष्णु का करते हो क्या। बोले नहीं नहीं वो तो उस टाइम बताया था। बोले तब से तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही हूँ। बोले नहीं नहीं इतना समय नहीं लगाना चाहिए, जल्दी आओ भोजन के लिए देर हो रही है। बोले फिर आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाते हैं और मुझे इतनी देर क्यों लगती है। बोले क्योंकि तुम 1000 नाम लेती हो, मैं केवल एक नाम लेता हूँ। बोले किसका, बोले राम, राम रमेती रमेती राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने, कहते हैं एक राम का नाम सहस्त्र विष्णु नाम के बराबर है। तो आपने एक बार बोल दिया राम तो हो गए 1000 विष्णु सहस्त्र नाम। अब श्री संप्रदाय में आप जाएं तो लगे पड़े ओम गोविंदाय ओम अच्युताय ओम केशवाय, इतने सारे बोलने की जरूरत नहीं, एक बोल दिया राम, इसलिए भारत में प्रसिद्ध है राम राम। तो 2000 सहस्त्र नाम हो जाते, राम राम जी 2000 सहस्त्र नाम, चलते चलते रोड पर 2000 सहस्त्र नाम हो रहे हैं। तो ब्रह्म वैवत पुराण में बताते हैं ब्रह्मा जी के पास लोग गए, बोले फिर हम क्या करें, कृष्ण नाम छोड़ें अब राम नाम करें। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं भाई कहाँ जा रहे हो,
एक कृष्ण नाम तीन राम नाम के बराबर है, यानी कि अगर कोई एक कृष्ण नाम लेता है तो उसने 3000 विष्णु सहस्त्र नाम ले लिए, विष्णु के 3000 नाम ले लिए। तो सोचो, अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है तो एक मंत्र में, एक मनके में, एक माला में नहीं, एक मनके में वो क्या कर रहा है, जितनी बार वो कृष्ण बोल रहा है तो 3000 विष्णु सहस्त्र नाम। तो एक बार ऊपर वाले लाइन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे कितने हो गए, 4 कृष्ण, तो कितने हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करो, 12000 विष्णु नाम हो गए ऊपर, और नीचे आया राम, तो एक राम का नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर, तो हरे राम 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 हरे हरे कितने राम आए, 4, तो 4 को 1 से गुणा करो तो 4, यानी 4000 विष्णु सहस्त्र नाम नीचे, 12000 ऊपर और 4000 नीचे, तो टोटल कितने हुए, तो एक मनके पर 16000 विष्णु के नाम करने की शक्ति दे रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। जस्ट इमेजिन, है कोई बराबरी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से, कहीं नहीं मिलेगी आप। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने समन्वय किया, सभी संप्रदायों को ला करके जोड़ दिया, बस तुम कहीं मत जाओ, यही सर्वश्रेष्ठ है, बस जुड़े रहो। और प्रभुपाद जी ने तो और सुंदर कर दिया, विश्व के जितने रिलीजन थे सब रिलीजन को लिया, क्रिश्चियन, इस्लामिक, ज्यूइश, यहूदी, आ जाओ सब कृष्ण भक्ति करो, किसी से कोई द्वेष नहीं, बिकॉज प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा फॉलो कर रहे हैं, हार्मोनाइजिंग द सोसाइटी, सबका समन्वय करना है, किसी से विरोधाभास नहीं, सबको जोड़ दो ला करके, जोड़ रहे हैं सबको। बोले हम तो पालन करते हैं क्रिश्चियनिटी का, बोले कोई बात नहीं, ये साख्य है ना, साख्य रस, बोले क्रिश्चियनिटी में साख्य रस, बोले हाँ, मदर फादर सन, बोलते ना मदर फादर होते हैं मैरी और उनके फादर गॉड, और बोले सन जीसस, तो बोले ये हो गया मदर फादर गॉड, यानी मदर फादर सन, ये क्या होगा, साख्य रस। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा क्रिश्चियनिटी इज अ साख्य रस, आर्टिकल में लिखते हैं। बोले फिर इस्लामिक, बोले इस्लामिक में साख्य रस, सखा भाव सिखा रहे। बोले फिर माधुर्य रस, बोले माधुर्य रस सूफिज्म में हल्का हल्का लक्षण है, लेकिन पूर्ण माधुर्य रस कहीं पर भी नहीं है। बोले फिर वैष्णव संप्रदाय आई, इनके अंदर माधुर्य रस, बोले सबसे ज्यादा माधुर्य रस पाया जाता है, जो मैक्सिमम है, 100% नहीं, मैक्सिमम अन्यों के कंपैरिजन में, तो वो अलग अलग संप्रदायों में देखें तो माधुर्य रस पाया जाता है जो कि निम्बार्क के संप्रदाय है, जो कि इस समय कौन सा स्थान है, अजमेर के पास सलेमाबाद है, सलेमाबाद में उनका मेन गढ़ है निम्बार्क का चार संप्रदाय, वो सखी भाव देते हैं, तो माधुर्य रस का कुछ अधिक फल उनमें दिखता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस किसने प्रदान किया, माधवेंद्र पुरी ने, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में भगवान आए, इसीलिए आए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस हरे कृष्ण महामंत्र केवल यहीं जपा जाता है सबसे ज्यादा। तो इसलिए अब लोग ये बोल सकते हैं कि रुद्र जो थे उनको ब्रह्मा जी ने कौन सा स्थान दिया रहने के लिए, तो कहते रहने के लिए उस ब्रह्मा जी को स्थान दिए गए, जैसे बोलते हैं ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र तुम रहोगे हृदय के अंदर, बोले हृदय में तो भगवान रहते हैं परमात्मा रूप में, हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, तो अब तो कन्फ्यूजन हो गया, ब्रह्मा जी वो आत्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहते हैं और शिवजी भी हैं, बोले हाँ शिवजी भी रहते हैं, ब्रह्मा जी ने यहाँ भागवत में कहा मैं तुम्हें रहने के लिए हृदय का स्थान देता हूँ, बोले लेकिन इसका अनुभव कैसे करेंगे, बोले जब व्यक्ति को क्रोध आता है तब व्यक्ति का हृदय से जो व्यक्त होता है वो रुद्र का प्राकट स्वरूप होता है, बोलते हैं बड़ा रौद्र रूप हो रहा है, बोले रुद्र प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उस समय हृदय में, उस समय कौन प्रकट होते हैं, रुद्र। तो कहाँ रहते हैं, भगवान का जब विराट स्वरूप देखा तो उसी के अंदर शिवजी थे कि नहीं थे, तो हृदय में कौन रहे, अलग से नहीं रह रहे हैं, भगवान के स्वरूप के अंदर ही शिवजी भी विराजमान है, लेकिन जब क्रोध आता है तब व्यक्त होते हैं। क्यों, गीता में कहते हैं 3rd अध्याय के 37 नंबर श्लोक में श्री प्रभुपाद जी ने बताया काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, शिव जी की रजोगुण और तमोगुण के विकार से तो हुई, तो बोले इस कारण से काम और क्रोध, यानी क्रोध जो है ये तमोगुण का लक्षण है, और क्रोध जब आ रहा है इसका मतलब ये रुद्र प्रकट हो रहे हैं। कहां कहां क्रोध दिखता है, बोले जब अग्नि में तेज लपटें निकलती हैं, आग लग रही है तो छोटी सी आग है ऐसे तेज होती है, बोले ये रुद्र का प्रकट है, रुद्र का दर्शन। बोले जब जल है, जल के अंदर सुनामी आती है, अथा बाढ़ आती है, बोले ये रौद्र रूप है, बोले ये रुद्र का प्राकट है, क्योंकि भगवान जी ने उनको रहने के लिए ये स्थान दिए, जल, अग्नि, वायु, वायु में जब तेज तूफान आता है,
पेड़ गिर जाते हैं, बोले ये रुद्र का प्राकट स्वरूप है। तो जब भी आपको रौद्र रूप देखना हो, शिव के दर्शन सब जगह देख सकते हैं। कितना क्रोध है संसार में, तमोगुणी रजोगुणी संसार में, यहां शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। तो वैष्णव मतलंबी जो होते हैं ये कहते हैं कि हम क्या करें, महाशिवरात्रि पर्व जो है शिव जी का विवाह, इसका पालन करें या नहीं करें? क्योंकि चतुर्थ स्कंद जब आता है और उसमें रुद्र गीता, रुद्र ने, शिव जी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना करी है, और कहते हैं उस रुद्र गीता चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक से लेकर के 79 नंबर श्लोक तक जो श्लोक है इसे रुद्र गीता, जैसे भगवत गीता, उद्धव गीता, इसे कहते हैं रुद्र गीता। रुद्र यानी शिव जी ने कृष्ण की प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? तो उसमें लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बताते हैं अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके शिव जी के द्वारा करी गई इस स्तुति का पाठ करता है तो उस व्यक्ति को कर्म बंधनों से मैं मुक्त कर देता हूं, भगवान कहते हैं सर। उसका कोई कर्म बंधन नहीं रह जाएगा। सोचो अगर शिव जी की स्तुति करने से, शिव जी की द्वारा करी गई स्तुति करने से किसी का कर्म बंधन कट जाता है तो भगवान की भक्ति करने से या शिव जी की स्तुति करने से, शिव जी को प्रणाम करने से, वैष्णव मानने से क्या उसका कर्म बंधन नहीं कटेगा? इसलिए जो वैष्णव मतावलंबी हैं वो लोग शिव जी को परम वैष्णव मान करके उनके शरण में जाते हैं। और इसी स्कंद में, इसी अध्याय में, रुद्र गीता में क्या बोला शिव जी, क्या कह रहे हैं लोग जो शिव पुराण और भागवत पुराण के कंपटीशन में लगे हुए हैं और शिव जी ऐसे तुम विरोधी तुम ऐसे, प्रभु जी के तो बहुत सारे वीडियो निकाल रखे हैं, तो वो इस तरह से उनको पता रहना चाहिए क्या कि शिव जी खुद प्रार्थना कर रहे हैं। विंदते पुरुषा अमोषमातः यत यत इच्छाति असत वरम। क्या वर मांगते हैं? मत गीत गीता सुप्रीता श्रेयसाम एक वल्लभात। ये रुद्र गीत में रुद्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विंदते पुरुष अश्मा, मैं उन भगवान की पूजा करता हूं, विंदते जिनसे विनती करने पर, यत यत इच्छाति जो जो आप इच्छा करेंगे कृष्ण से, असत वरम सारे के सारे वरों को जो असत्य हैं संसार के उनको भी पूरा करने की शक्ति रखते हैं कृष्ण। ये पूजा कर रहे हैं रुद्र शिव जी। मत गीता गीतम, मैं ये गीत गा रहा हूं, गीतम मेरी जो गीता कह लेगी रुद्र गीता, सुप्रीति जो इसको प्रीति पूर्वक गाएगा, श्रेयसाम एक वल्लभात वो वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा रानी के प्राण प्रिय और भगवान शिव के प्राण प्रिय कृष्ण जो है वल्लभ, उसकी प्रीति प्राप्त कर लेगा। तो भगवान शिव की कृपा अगर चाहते हो, दुनिया में लोग शिव को तो मानते हैं, बम बम बोले शिव को तो मानते हैं पर शिव की नहीं मानते हैं, शिव क्या कह रहे हैं। तो लोग भक्तों को तो मानते हैं, साधु महाराज का आशीर्वाद मिल जाए, आप हमारे घर आए प्रभु जी, घर को थोड़ा शुद्ध कर दें, प्रभु जी आएंगे कुछ प्रवचन देंगे चले जाएंगे, तो प्रभु जी को तो मान रहे हैं, प्रभु जी की नहीं मान रहे हैं। गुरु जी को तो मान रहे हैं, गुरु जी की नहीं मान रहे हैं। ऐसे संसार के लोग शिव जी को तो मान रहे हैं पर शिव जी की नहीं मान रहे हैं। ये गांजेड़ी नशेड़ी जो है, आप सोच रहे हो कि अरे वो लोग तो करते हैं फिर गलत है, सही है, वो भी तो पुराण का श्लोक बता रहे हैं। तो वैष्णव मत क्या कहता है? वैष्णव मत कहता है फागुन मास में जब भी शिवरात्रि आए उसका व्रत वैष्णवों को भी करना चाहिए। ये हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद ने वर्णन किया साफ साफ कई सारे श्लोकों में, हम दो तीन श्लोक समझते हैं। पहला स्कंद पुराण से बोला हरि भक्ति विलास में, कहा माघ फागुनो योर मध्ये अस्ति या चतुर्दशी शिवरात्रस्तु साख्यायात सर्ववा यज्ञ उत्तमोमा। कहते हैं उत्तम यज्ञ है अगर कोई महाशिवरात्रि का वैष्णव व्रत कर ले, ये महायज्ञ है, सर्व सर्ववा यज्ञ उत्तम उत्तमा उत्तम यज्ञ है। शिव जी की रात्रि में क्या करना है? भेल धतूरा चढ़ाओ भांग पियो, ये नहीं 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 नहीं, ये तो संसारी लोगों ने बनाया है। शिव जी ने जिस प्रकार का वैराग्य दिखाया कि सहते बाहर से संसार में अंदर के घर का त्याग किया है, मन बुद्धि सुख दुख आशा तृष्णा इसको छोड़ करके शिव जी रहते हैं, इस भाव को अंगीकार करते हुए भक्तों को शिव जी से मांगना चाहिए हमें भी अपने जैसा वैष्णव बना दो।
इस भाव से मंत्र जपें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये क्या हो गया? सर्व यज्ञ उत्तम उत्तम, यही तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सारे यज्ञों में हरि नाम यज्ञ, यही भगवान गीता में कह रहे हैं, यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि, यही करना, एक्स्ट्रा राउंड करने, और कुछ थोड़ी करना है शिवरात्रि में। बोले कौन सी आरती गाएं? कुछ नहीं गाना, शिव जी की माननी है, शिव जी खुद हरि नाम बता रहे हैं तो हरि नाम करना। आगे कहते हैं, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दास्यंतु फाल्गुने, फाल्गुन की चतुर्दशी जब आए, वैष्णवेर अपि तत्कार्यम श्री कृष्णा प्रियतम तदा। श्री कृष्ण को बड़ा पसंद आता है अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की महाशिवरात्रि का व्रत करता। कब करें? बोले एकादशी आई तो फिर द्वादशी आई, फिर त्रयोदशी आई, फिर चतुर्दशी आई। आज महाशिवरात्रि में त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिश्रण है। रात के 8 बजे के बाद त्रयोदशी समाप्त और चतुर्दशी प्रारंभ। तो हमारे वैष्णव मत में कहा जाता है कि जब भी एकादशी में द्वादशी का ओवरलैपिंग हो, अनुक्रमण हो जाए, अतिक्रमण हो जाए, तो ऐसी अवस्था में वृद्धा एकादशी यानी द्वादशी के दिन व्रत किया जाता है। तो ऐसे ही शिव की जो शिवरात्रि है, त्रयोदशी और चतुर्दशी का जब मिश्रण हो गया, तो आज ना करके वैष्णव लोग वृद्धा शिवरात्रि यानी कल के दिन व्रत कर सकते हैं। तो उनके पास में आज पारण कर सकते हैं, कल व्रत कर सकते हैं। या फिर प्रभु जी जैसा बता रहे थे सुबह मंगल आरती में कि आपने द्वादशी में ऑलरेडी एकादशी का व्रत कर लिया तो फिर आपको जरूरत नहीं है व्रत करने के। जैसे वरा द्वादशी में होता है, भाई एकादशी का व्रत कर लिया, तो ये भी मत ठीक है, परंतु ये भी ठीक है कि वृद्धा शिवरात्रि आप कर सकते हो, यू कैन डू, क्योंकि चतुर्दशी ना कल के दिन क्या रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक चतुर्दशी चलेगी। तो हम लोग सूर सिद्धांत को मान करके वृद्धा दिन का, इसलिए कैलेंडर में कल के दिन 19 पे शिवरात्रि लिखी हुई है, बिकॉज ऑफ द रीजन वृद्धा शिवरात्रि हो रही है, वृद्धा है त्रयोदशी चतुर्दशी का, वृद्धा इंक्रीज हो रही, आगे जा रही है। आगे कह रहे हैं भृगु ऋषि को, भगवान हरि कहते हैं, यो माम समर्चयेन निव्यम एकांतम भव आश्रिताम विंदति देवम ईशानाम सायाति नरकायुतम। कोई कहते हैं अगर कोई यो माम सम अर्चेन, मेरा भजन तो करता है, हरि ने भृगु ऋषि को कहा और उनके साथ अन्य ऋषि भी थे, तो भगवान कृष्ण ने हरि ने कहा, जो मेरी पूजा तो करते हैं और वो इस तरह से करते हैं कि शिव जी की निंदा करते हैं, निंदतम देवम ईशानम, जो शिव भगवान हैं उनकी निंदा करते हैं, अरे डेमी गॉड है। इस्कॉन में जब नया नया व्यक्ति जुड़ता है वो सोचता है शिव जी डेमी गॉड है। तो कह रहे जब कोई निंदनतम अगर शिव जी की निंदा करे तो क्या होगा? बोले सा याति नरकायुतम, उसको नरक प्राप्त हो। अरे बाप रे, कौन सा नरक मिलेगा? बोले काल सूत्र नरक और रौरव नरक, कई सारे नरकों का वर्णन बनाया कि आप इसमें भी जा सकते हैं, डिपेंड करेगा आपने निंदा की कितनी परसेंटेज थी आपकी, है ना, आप उनको बहुत निंदा कर रहे थे, उनकी ग्लोरीज, जैसे आज क्या बोलते हैं लेक्चर में, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, ये निंदा ऑफ लॉर्ड शिवा नहीं है, लेकिन फिर भी जो शिव जी के अनुगत होते हैं बेचारे तमोगुण में ग्रसित होते हैं ना, उनकी गलती नहीं है, तो वो तमोगुण में ग्रसित लोग उनके उद्धारक हैं शिव जी, लेकिन वो समझते हैं ये भी हमारे जैसे हैं। जेल में कैदी रहता है और वहां पर आईपीएस ऑफिसर जेल का हेड होता है, डीसीपी होता है, जेलर होता है। अब कैदी सोचे ये भी तो जेल में, हम भी जेल में, तो हम दोनों तो सेम ही हो गए ना। अरे तू मर्डर करके कैदी बना है, वो पढ़ाई करके आईपीएस ऑफिसर बनकर के डीसीपी बना है, हेड बना है, तो बराबर नहीं है। तो लेकिन तमोगुणी लोग सोचते हैं बराबर हो गए शिव जी, नहीं शिव जी बराबर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको नरक प्राप्त होगा। और कहते हैं यही बात रामचरितमानस में आई है और शिव पुराण में भी ये बात है। शिव पुराण के चैप्टर 10 श्लोक संख्या 30 दसवें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में विष्णु भगवान जी ने शिव जी से कहा, मेरा कोई भक्त अगर तुम्हारी निंदा करेगा तो तुम उसको नरक प्रदान करना, क्योंकि शिव जी को शमशान में रखा जाता है, असली मुक्ति एंड की वही दे रहे हैं, फाइनल अथॉरिटी बना रखा है उनको। बोले तुम जो मेरे भक्त हो और अगर वो पूरा जीवन भक्ति करते हो और लास्ट मोमेंट में बेचारे वेंटिलेटर पे प्राण त्याग दिए और लाकर के शमशान में उनको बिना राम नाम सत्य के लोग छोड़ गए, तो उन्होंने बेचारे ने अंत में राम नाम तो किया नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर पे थे, गला अवरुद्ध था,
कंठ अवरुद्ध था, वो बोल नहीं पाए। तो शिवजी को क्यों लगाते हैं शमशान में? शिवजी दौड़कर जाते हैं और उस भक्त के कान में कहते हैं हरे कृष्णा और उसकी मुक्ति करा देते हैं, क्योंकि पूरा जीवन भक्ति करी है इसने। लेकिन पूरा जीवन भक्ति ना करी हो और भगवान शिव का भक्त बनने का नाटक किया हो और बोला हम रुद्राक्ष पहनते हैं और फैशन में रुद्राक्ष हाथ में डाल रखा है और गले में डाल रखा है और बाल यहां से वो क्या इंटरलॉकिंग वाले बाल बना रखे हैं, कुंडल पहन रखे हैं शिवजी की कॉपी में, लेकिन गाने डीजे वाले बज रहे हैं ना और चिलम चल रही है, बोले शिव जी के हम फॉलोवर हैं, तो ये व्यक्ति फिर कृष्ण के निंदक होते हैं। अरे तुम विरोधी इस्कॉन वालों ने शिव जी को भगवान नहीं बताया, ये विरोधी बनते हैं। फिर ऐसे जो लोग हैं शिव जी के जो फॉलोवर थे इनको क्या प्राप्त होगा? जब विष्णु के भक्त शिव की निंदा करने पर नरक जा रहे हैं तो शिव जी के भक्त ने अगर कृष्ण की निंदा करेंगे तो इनको वैकुंठ मिलेगा, इन्हें घोर नरकों में भेजा जाएगा शिव का उपासक होकर। यह बात रामचरितमानस में भी बोली गई। देखो स्कंद पुराण का उदाहरण दिया, गौतम तंत्र का उदाहरण दिया, हरि भक्ति विलास का दिया, शिव पुराण का दिया और अब मैं आपको रामचरितमानस का उदाहरण दे रहा हूं, उसमें भी यह बात बोली गई है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दासा, राम जी कह रहे हैं शिव का द्रोही होकर के मेरा दास बनेगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, अगर शंकर का प्रिय है मम द्रोही यानी मेरा द्रोही है, और शिव द्रोही मम दासा, शिव का द्रोही होकर मेरा दास बनने का कि हम कृष्ण दास हैं शिव जी हमारे नहीं है। ते नर कर ही कल्प भरी घोर नरक महुबासा, उसको घोर नरकों में भेजना चाहिए, ये राम जी ने बोला। अब बताओ आप महाशिवरात्रि का पर्व कितना बड़ा पर्व हो गया, छोटा मोटा थोड़ी है। तो इसलिए शिव जी को ये बोल देना कि डेमी गॉड हैं, भूतनाथ हैं, भूतों के हैं, हम तो बड़े सत्वगुणी हैं, हम तो शुद्ध सत्व में हैं, हम तो भागवत प्रेमी हैं, और शिव जी का अपमान करना ये गलत। तो शिव जी डेमी गॉड भी नहीं, क्योंकि तीन शक्ति ही तत्व हैं, एक है हरि तत्व यानी विष्णु तत्व या कृष्ण तत्व कहें, कृष्ण राम नरसिंह वामन है ना वराहा, ये विष्णु हैं, कृष्ण विष्णु तत्व। एक है उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति शक्ति तत्व, और एक है उनके द्वारा उत्पन्न जीव जीव तत्व यानी ब्रह्मा और उनके अनुगत मनु और मनु से उत्पन्न मनुष्य मानव, ये सब जीव है। तो जीव तत्व शक्ति तत्व और एक है विष्णु तत्व, तो चौथा तत्व कोई नहीं है शिव तत्व। शिव तत्व असलियत में क्या है? हरि से ही प्रकट होने वाले तत्व को शिव तत्व नाम दिया जाता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझने के लिए। दूध से जिस प्रकार दही बनता है उसी प्रकार हरि से शिव बनते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता इसलिए शिव से कृष्ण नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कृष्ण ने अगर शिव की उत्पत्ति कर दी तो फिर शिव के द्रोही हो गए, वो ऐसा नहीं। भगवान ना तो द्वेष करते हैं और ना द्वेष सिखाते हैं। भगवान कहते हैं किसी से द्वेष नहीं करना, तो वो क्यों कहेंगे तुम शिवजी से करो डेमी गॉड से करो? लेकिन डेमी गॉड वर्शिपर नहीं होना है आपको। आप पता चला आप कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेन्द्रहारम सदाम विसंतम, आपको आरती नहीं गानी है। शिवजी नहीं चाहते मेरा गुणगान हो। कौन सा गुरु कौन सा भक्त ये चाहता है दुनिया मेरी उपासना करे? सब ये चाहते मेरे प्रभु की उपासना हो। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, शिवजी ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, क्योंकि शिवजी भी ये चाहते हैं कि मैं किसकी उपासना करूं? भगवान की। और जो उनकी कर रहे हैं उनको भी क्या चाहते हैं? मेरी मत करो, किसकी करो? कृष्ण की करो। तो इसलिए क्षीरम दधि विकार विशेष योगत ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे दूध में खटाई डालने से दही बनता है, ऐसे ही कृष्ण के सदाशिव रूप में तमोगुण का मिश्रण हो जाने से रुद्र शिव प्रकट होते हैं। पर होते ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो बोले ब्रह्मा जी से हुए कि कृष्ण से हुए? बोले जब वराह अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी की नाक से पैदा हुआ वराह। ब्रह्मा जी ने छींक मारी तो एक छोटा सा निकला कण और देखते देखते ही वराह इतना बड़ा सुकर रूप ले लिया। तो बोले ब्रह्मा जी से पैदा हुए ना? अरे पैदा होने का कारण यह नहीं होता है कि असलियत में पैदा भी यहीं से हो रहे हैं। कोई मालिक है कंपनी का और वो गेट से आ रहा है, बोले अरे देखो मालिक गेट से आ रहा है। अरे तो मालिक कहां से छत तोड़कर आएगा ऑफिस में? हेलीकॉप्टर से गड़गड़ 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 छत तोड़ दी धम। बोले ये मालिक है ना इसलिए छत तोड़कर आता है। अरे आएगा तो उसी गेट से जो उसने पियोन के लिए मैनेजर के लिए प्रेसिडेंट के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टर के लिए सीईओ के लिए उसी गेट से मालिक ओनर भी आ रहा है।
तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण सभी जीवों को बना रहे हैं, तो भगवान कभी कभी उनका भी यूज करते हैं कि चलो मैं ब्रह्मा जी से पैदा हो जाता हूँ। शिव तत्व को भी कह देते तुम ब्रह्मा जी से पैदा हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ब्रह्मा जी ही शिव तत्व का प्रकट करने वाले हो गए। आ तो ये हरि से रहे, क्षीरम दधि विकार विशेष योगत। ब्रह्मा जी ने बताया जैसे दूध में विकार से दही बनता है, ऐसे ही सदा शिव संकर्षण कृष्ण के तमोगुण विकार से शिव जी की उत्पत्ति होती है। परंतु इनमें कोई भेद नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट में दूध और दही में कोई भेद है? जो दवाई दूध से नहीं खाई जाती कहते आप दही से खा लो, बोले हमें दूध से एलर्जी, बोले दही से खा लो। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता तो भगवान कहते कोई बात नहीं तू शिव जी की करके आ जा, तो व्यक्ति सोचता है शिव जी की करूंगा तो शिव लोक चला जाऊंगा। तो शिव लोक जब जाओगे तो वहां क्या देखोगे, वहां पर शिव जी बैठे हुए हैं, गौरी बैठी हुई है और चल रही है भागवत कथा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मा पहुंचेगी शिव लोक, पहुंच गए शिव जी के पास, जाकर बैठेगी कि ये तो वही चल रहा है जो इस्कॉन में चल रहा था, मैंने तो माना नहीं उनकी बात। बोले शिव जी बोलेंगे हाँ क्या हुआ, संशय लिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर? बोले हाँ आप शांत विग्रह हैं, मुझे थोड़ा बताइए, अनुग्रह करिए अपनी कृपा। बोले एक काम करो नीचे जाओ इस्कॉन ज्वाइन कर लो और फिर चैंटिंग करो हरे कृष्ण, फिर वैकुंठ जाओगे, यहाँ से वैकुंठ नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये दोनों चीज समझने के, शिव जी मुक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं, शिव जी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। मुक्ति तो मुक्ति दाता एक मुकुंदा, केवल कृष्ण ही है मुक्ति प्रदान करने वाले जो वैकुंठ ले जाएंगे, बाकी देव। इसलिए बोला है नाम अपराध में कि भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना अपराध है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषी बन जाओ कि अरे डेमिगॉड है, अरे देवी है, ये तो कृष्ण, ये तो शिव जी है, उनको भी प्रणाम करो और बोलो वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य बचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हो आप। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के चतुर्थ स्कंद में एक अध्याय आता है, 24 है शायद, उसमें वर्णन करते हैं कि ये रुद्र गीता जब चल रही है 24वें अध्याय में, तो रुद्र गीता के अंदर एक तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं 11 प्रकार के रुद्र है ना, ये आपस में एक दूसरे से डरते हैं, क्योंकि जब इन्हें क्रोध आता है तो जैसे लक्ष्मी जी नरसिंह रूप देखकर अपने पति से डर रही थी, ऐसे ही जब रुद्र रौद्र रूप ले लेते हैं तो एक शिव दूसरे रुद्र से डरते हैं। लेकिन उस स्थिति में नरसिंह भगवान जब अपना रौद्र रूप प्रकट कर रहे थे उस समय ब्रह्मा जी काम नहीं आए, शिव जी काम नहीं आए, यहां तक कि पत्नी लक्ष्मी जी भी काम, सारे देवता बोले आप जाओ ना, तो तैयार व्यार बोले थोड़ा सा पति जब क्रोध में हो तो तैयार होकर जाओ तो थोड़ा शांत हो जाए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा गहना वहना पहनाए, लहंगा बढ़िया सा पहना करके भेजे, बोले आप जाओ इनको शांत। लक्ष्मी जी बोली घबराहट तो रही लेकिन मैं जाती हूँ, हमेशा तो मेरी बात मानते थे, आज न जाने माने ना माने। गई तो उन्होंने नरसिंह ने जैसे किया लक्ष्मी जी वापस उल्टे पैर भागी, कि तो लहंगा फंस गया तो धड़ाम से नीचे गिरी, सारे भक्त अरे अरे लक्ष्मी जी गिर क्या हो, बोले नहीं नहीं ये रूप तो मैं शांत नहीं कर सकती, बड़ा कयान भयानक है। भक्त प्रहलाद बोले मैं जाता हूँ, बोले अरे तुम्हें डर नहीं लगता? बोले अरे एक बात बताइए, शेर जो होता है उसके बच्चे उसके पास घूमते हैं, सारे वन पशु शेर से डरते हैं, लेकिन क्या शेर के बच्चे शेर से डरते हैं? तो बोले मैं तो शेर का बच्चा हूँ, यानी विष्णु का बच्चा हूँ। प्रहलाद बोले मुझे किस बात का डर? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि रुद्र रुद्र से डरता है लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त शिव जी से डरता नहीं है, उनके प्रति भावना रखता है वैष्णव, डरता नहीं है, अरे सांप है शमशान में बड़े भयानक है महाकाल है, ऐसा कोई घबराहट नहीं, उसको आनंद आता है। वाह बाबा भोलेनाथ वाह बहुत सुंदर, हमें भक्ति प्रदान करो और हमें भी भगवान का अपने जैसा परम वैष्णव बना दो। तो क्या प्रॉब्लम है ऐसी महाशिवरात्रि बनाने में, है कोई प्रॉब्लम? तो लोग खामा खा के लिए यही ना समन्वय नहीं बिठाते, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ना भागवत पढ़ रहे हैं, ना स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं, ना पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, शिव पुराण भी पढ़ा नहीं होता है, वो सुन लिया होता है कि ऐसा लिखा है, और उसमें नहीं पढ़ रहे कि शिव जी क्या बोल रहे हैं। विष्णु भगवान स्वयं शिव जी को उदाहरण दे रहे हैं शिव पुराण के 10वें अध्याय में, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब लोग ना ऐसे होते हैं, फेकू होते हैं, इसलिए इनसे डरना नहीं चाहिए। अरे प्रभु जी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या उत्तर दें? अरे उत्तर दो धड़ल्ले से कि कृष्ण ही परम भगवान है और परम वैष्णव है भोले बाबा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम कोई नहीं आपको रोक सकता, क्योंकि आपके पास शास्त्र का एक प्रमाण नहीं है, अनेकों प्रमाण है। लोग बोलते हैं वो भागवत मानते हैं हम शिव पुराण मानते, नहीं जी हम सारे पुराणों को मानते हैं, शिव पुराण में स्वयं शिव जी को भगवान हरि ने बोला है कि हम दोनों का प्रेमी होना चाहिए, भक्त को एक का प्रेमी दूसरे का द्रोही तो नरक का वास है।
तो इट इज क्लियर शिव तत्व. हरे कृष्णा. तो महाशिवरात्रि बनाइए आप सब लोग. ये प्रार्थना. प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चंस. हाँ माता जी माइक दे सकते हैं. हाँ ठीक ठीक आप ही करिएगा. हरे कृष्णा. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्रणाम. थैंक यू सो मच फॉर द हाईली इल्यूमिनेटिंग लेक्चर. आप कितना डीपली रिसर्च करके आए हो आपके लेक्चर से झलकता है. थैंक यू सो मच प्रभु जी. प्रभु जी वुड यू परमिट me to ask three questions. हाँ three. हो एक पूछ लीजिए. औरों का भी नहीं होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा. ठीक है. प्रभु जी जैसे आपने बताया है कि जो श्रील वेद व्यास जी हैं उन्होंने जो पुराणों की रचना करी है वो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी सभी तरह के लोगों के लिए करी है. तो जो तमोगुण में या रजोगुण में पढ़ रहे हैं वो वाली चीज़ जैसे शिव जी जिसमें परम बताए हैं शक्ति बताई गई हैं तो इन को पढ़ने से फिर ऐसा होता है ना लोग फिर रिजिड हो जाते हैं उसी चीज़ में कि तो इसमें लिखा हुआ है. तो फिर वो शुद्ध भक्ति उनको कैसे मिल सकती है कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं वो शुद्ध भक्ति की तरफ. विद्रोही ना हो भगवान के जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको रिग्रेसली फॉलो करें है ना. जैसे भगवान भी गीता में कहते हैं कि मैं हृदय में वास करता हूं और तुम्हारा जो श्रद्धा होती जिस देवता के प्रति मैं उसको प्रगाढ़ करता हूं. तो भगवान खुद इंटरफेयर नहीं करते कि मैं तुम्हारे रास्ते से हटाऊं. कोई व्यक्ति आज तीसरी क्लास में पढ़ रहा है उसी स्कूल में कोई ट्वेल्थ में पढ़ रहा है तो ट्वेल्थ में पढ़ने वाले को बोले ट्वेल्थ में पढ़ता हायर एजुकेशन में और थर्ड वाला बोले तू बोगस है नीचे वाला है. तो ऐसा नहीं. थर्ड वाला भी एक ना एक दिन ट्वेल्थ में तो आता ही है ना. तो आज जो अगर गलत रास्ते पर भी है या तमोगुणी चीज़ को फॉलो कर रहा है वो धीरे धीरे रजोगुणी होगा फिर धीरे धीरे सत्वगुणी होगा फिर उसके बाद में शुद्ध सत्व में जाएगा फिर उसके विशुद्ध सत्व में जाएगा फिर वैकुंठ चला जाएगा. तो बस क्या दिक्कत है. तो स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस है. क्रमा क्रमा पाया लोक के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक बार में किसी को परमलोक नहीं मिलता. बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते. एक जन्म में नहीं बहुनान जन्मांत. एक जन्म में रजोगुणी एक जन्म में तमोगुणी रजोगुणी फिर सत्वगुणी फिर शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व चला बहुत जन्मों के बाद. तो जो आज कर रहा है वो गलत नहीं है वो अपने मार्ग के हिसाब से ठीक है. एक ना एक काल में समय आएगा. अगर कोई वैष्णव की कृपा हो जाए उसे कहते हैं स्पेशल अहेतु की कृपा. प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिल जाए या किसी वैष्णव से वो मिल जाए और वैष्णव बोले नहीं चैंट हरे कृष्णा एंड यू कैन बी लिबरेटेड और वो समझ जाए इस बात को तो फिर उसके ऊपर फिर क्या होता है कि सीढ़ियों से ऊपर जाना है या लिफ्ट से ऊपर जाना है. फिर लिफ्ट का बटन दबाओ दसवां फ्लोर जीरो से सीधा दसवें पर जा सकते हो या फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे धीरे. तो दोनों ही रास्ते ठीक है. पहुंचना तो टॉप में ही पड़ेगा तभी मुक्ति होती है. थैंक यू प्रभु जी. प्रभु जी का क्वेश्चन. लीलाकांत प्रभु जी. प्रभु जी का क्वेश्चन तो नहीं होगा कुछ समीक्षा होगी. हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु जी भागवतम के इसे चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बताए हुए हैं कि जो शिव जी के उपासक है उनको प्रसन्न करने के लिए यदि पूजा करता है तो वो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है अधार्मिक होता है और जो दिव्य शास्त्र के उस प्रति रुचि नहीं रहता है. शिव जी के शिव जी के व्रत को करता है उनकी पूजा करता है उनके प्रसन्न करने के लिए यदि तपस्या करता है. देख लेते हैं 4:28 हाँ तो ये तो दक्ष वाला चल रहा है ना 4:28. तो मैंने बताया था कि भगवान ने भागवत में आप शायद लेट आए उस टाइम पर दो प्रकार की लीलाएं भगवान ने भागवत में बताई हैं. एक प्रकार की लीला है जिसको डायरेक्ट लीलाएं कहा है जो डायरेक्ट भक्ति प्रदान करती है भक्ति अनुकूल लीलाएं और एक है भक्ति प्रतिकूल लीलाएं. तो उसमें से दो उदाहरण दिए हैं बोले भागवत में जैसे अजामिल का है. अब अजामिल का उदाहरण जो है वो भक्ति प्रतिकूल है कि पूरा जीवन गंदे काम करो बोले गंदे काम किए फिर राम नारायण नारायण बोला मुक्त हो गया. तो ऐसी दक्ष प्रजापति के कारण यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है. एग्जैक्ट श्लोक क्या हम पढ़ते हैं इसको. हाँ वन हू टेक अ वाव टू सेटिस्फाई लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव को संतुष्ट करने का प्रयास करता है किस प्रकार से वैष्णव के रूप में या फिर भगवान के रूप में.
अगर कोई भगवान के रूप में जैसा दक्ष ने कहा कि मैं विष्णु को तो मानता हूँ लेकिन अपने दामाद शिव को नहीं मानता हूँ, द्रोही हो गया था। इसी कारण से तो भगवान ने ऐसी लीला करी जो कि भक्ति प्रतिकूल लीला है, यानी भक्ति ऐसी ये डोंट्स हैं, ये नहीं करना कभी भी, उसके अंदर ये लीला आ रही है कि दक्ष ने जो गड़बड़ कर दी उसके लिए बताया गया हु फॉलो सच प्रिंसिपल्स, द्वेषी बन जाना, द्रोही बन जाना, शिव जी को ऐसा बोलना या फिर शिव जी का संतुष्ट करने का भाव रखना, जैसे भूत प्रेत कहते हैं बस शिव ही भगवान है और ये सारा संसार लिंग से प्रकट हुआ है, तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो फिर मायावाद सिद्धांत है, उसको फॉलो नहीं करना। इसीलिए फिर भागवत के अंदर तो 11वें स्कंध में बता रहे हैं कि निम्न गणाम यथाम गंगा, देवानाम अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथाम शंभु, पुराणानाम इदम तथा, भागवत पुराण से। तो समन्वय करना चाहिए, हम समन्वय जब करेंगे शास्त्रों का तो भागवत पुराण में तीन प्रकार की भक्ति है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। तो जैसे हम देखते हैं जो पांडवों ने करी सम्यक निवृत्ति, वैकुंठ प्राप्त नहीं किया, गोलोक प्राप्त किया शरीर के साथ, स्व शरीर, 15वें अध्याय प्रथम स्कंद में स्व शरीर वैकुंठ नहीं, गोलोक चले गए सारे पांडव, ये है सतोगुणी भक्ति। रजोगुणी भक्ति करी ध्रुव ने कि सकाम भक्ति का भाव रखा कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, पर दादा से ऊपर का लोक मिल जाए, तो उनको ब्रह्म लोक से ऊपर रोक दिया गया, राम प्रिय वैकुंठा नाम है उस स्थान का जो कि करण सागर से नीचे है और ब्रह्म लोक से ऊपर है। राम प्रिय वैकुंठा मिला उनको ध्रुव लोक, लेकिन करण सागर के ऊपर अप्रकट वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं किया। क्यों? बोले अंत में एक इच्छा मांग ली, मेरी माँ का क्या हुआ? बोले अभी भी इनको 36,000 साल भजन किया, नारद जी का संग किया, फिर भी मन में एक इच्छा बाकी है, सकाम भक्ति करी इन्होंने, इसलिए उनको रजोगुणी भक्त की कैटेगरी में डाला गया, इच्छा से जो भक्ति की जा रही है। और तमोगुणी भक्ति बोले जो दक्ष ने करी है, तो दक्ष को तमोगुणी भक्ति का उदाहरण बताया, उन लोगों के उदाहरण में ये प्रसंग आ रहा है। तो हम प्रसंगिक ना होकर के समन्वय बिठाएंगे शास्त्रों का तो हम समझ सकते, बाकी हम अगला कुछ एक्सप्लेन समथिंग एडिशनल बोल दीजिए, बोली ना, ऐड कर दीजिए, योर ब्लेसिंग्स वी विल गेट, अमेजिंग लेक्चर, अरे नहीं, वंडरफुल, नेक्टर नेक्टर। प्रभु जी का आदत है, प्रभु जी कभी बोलते नहीं है, किसी के भी दोष देखने की दृष्टि नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, अन्यथा बहुत सारी गलतियां हैं, प्रभु जी अकेले में बाद में बता देंगे मेरे को, तो ठीक है। शिवम प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी से एक पास्ट टाइम आता है ना जिसमें सती और शिव जी का कि वो सती है, वो जो पार्वती जी हैं भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी हैं, एटर्नल हैं, बट देखते हैं कि वो शरीर छोड़ रही हैं सती के रूप में और भगवान उनके मतलब 11 वो मुंडमाल पहने के तुम्हारे सर हैं जी, और फिर कहती है मुझे अमर कर दो तो अमरनाथ में भागवत कथा सुनाते हैं तो अमर हो जाती है, तो ये क्या पास्ट टाइम है? वो शरीर छोड़ वो ऐसा जीव वो अपने आपको दिखा रही है भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, शरीर छोड़ना लेना जी जी जी, फिर अमर हो जाती है फिर बाद में जाके। तो शक्ति तत्व जो है वो इसी संसार के लिए प्रकट किया गया, एक्सटर्नल भारंगा शक्ति और एक अंतरंगा, अंतरंगा भगवान की योग माया है और भारंगा भगवान की महामाया है, दोनों का काम एक ही है, भगवान से दूर कर देना, दोनों का काम एक ही है। योग माया भगवान से दूर कर देती है, यानी भगवान का भान ही नहीं रहता, साख्य रस इतना उत्पन्न होता है, अरे हमारे दोस्त हैं कोई भगवान है, भगवान होंगे नारायण, ये तो हमारे मित्र, तो योग माया भी भगवान को भुला देती है और महामाया भी भगवान को बुलाती है। महामाया के अंतर्गत व्यक्ति कहता है अरे ये कोई भगवान है, ये मूर्तियां बना रखी है, पत्थर पूजे हरी मिले, अरे पत्थर से पूजा करनी चाहिए, तो इस तरह से ये दोनों ही हैं। तो एक्सटर्नल एनर्जी काम करती है इस मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर, तो इसलिए वो लीला दिखाई जाती है कि एक्सटर्नल एनर्जी जब भी कोई रूप धारण करती है तो वो शाश्वत काल तक नहीं रहता, कुछ काल बाद उसको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, जैसे शाक्त फॉलोवर्स है ना, शैव फॉलोवर्स, शाक्त फॉलोवर्स, तो वो शाक्त फॉलोवर ये नहीं समझ पाते कि हमारी चंडी, दुर्गा, काली ये सब तो चेंज करती हैं परंतु हैं कौन, तो भगवान के जन्म लीला में हम सुनते भगवान की बहन है ना, और जो गोपियों की वस्त्र हरण लीला आ रही है उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कात्यायनी योग माया जिसको कहा, लेकिन लोगों को लगता है ये महामाया है क्योंकि कात्यायनी का मंदिर जो असम में है वो महामाया का मंदिर है, लेकिन जिस पूजा कर रही थी गोपियाँ वो कात्यायनी योग माया थी, तो एक ही माया है, योग माया का ही एक्सटेंशन है महामाया, एक भगवान की आगे और एक भगवान के पीछे है, तो एक भगवान की छाया है लेकिन है तो भगवान की ही, तो वो लेकिन शरीर बदल सकती है क्योंकि उसका शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन शिव जी का शरीर शाश्वत है क्योंकि शिव जी मेटेरियल वर्ल्ड की सेवा तो करते हैं लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, और जो इंटरनल एनर्जी है वो तो कभी
शरीर छोड़ती नहीं है, वो तो राधा रानी गोपियां लक्ष्मियां वो सब तो लीलाओं में रहती हैं भगवान की, इस तरह मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी को समझाएं। प्रभु जी जैसे कि याद है ना कि जो भृगु मुनि थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी का अपमान किया, शिव जी को भी इंसल्ट की, तो शिव जी क्रोध में आ गए, तो ये दिखाने के लिए कि विष्णु परम है, ये बताने के, तो कुछ लीलाओं को यथारूप नहीं लेना चाहिए, उनके इनडायरेक्ट मीनिंग्स को समझना चाहिए। जैसे नारद जी जब प्रीचिंग करते हैं तो नारद जी भवाटवी का वर्णन करते हैं कि हे राजा एक जंगल था, उस जंगल में एक चोर था और वो वहां से एक व्यक्ति निकला, डाकुओं ने लूट लिया। तो क्या बता रहे हैं कि ग्रस्त जीवन में डाकू होते हैं, पत्नी डाकू है, पति डाकू है, सारे पति देख रहे हैं ये डाकू है, ये लग तो रही थी। तो डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, उसके मीनिंग है वैराग उत्पन्न करो, संसार में कुछ नहीं रखा, कृष्ण भक्ति टॉप मोस्ट है, भजन करो, अंतर मन के घर को छोड़ो, बाहर का मत छोड़ो। तो आज हमने चर्चा करी, सो ये लीलाओं का एक्चुअली समन्वय नहीं हो पाता है। एक पास टाइम कहीं गूगल पे पढ़ लिया, देखा अब बताऊंगा, तो ऐसे नहीं होता। सारे पुराण पढ़ो, सारे शास्त्र पढ़ो, कई वर्षों तक सुनते रहो भगवान की लीलाओं को, तब जाकर के समझ। जैसे आज अमोघला पुरुषो मंगल आरती में बोल रहे थे ना कि गिरिराज जी भगवान के भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, ऐसे ही शिव जी भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं, तो वैष्णव भी हैं और वो भगवान भी, क्योंकि भागवत में उनको कई जगह भगवान कहकर के उच्चारण किया गया। तो हम कैसे कह सकते हैं, या फिर एक जगह लिखा है कि संतुष्ट करेगा तो वो एथिस्ट हो जाएगा, एक जगह लिखा है कि भाई वो भगवान के परम वैष्णव है, उनका व्रत करना चाहिए, पुराण में लिखा है। तो ये समन्वय जब तक नहीं बिठाएंगे, हार्मोनाइजेशन, तो फिर इसलिए एक अखबार आता था हार्मोनिस्ट, इसका मतलब था सभी समाज में जो विरोधाभास है ना, अनेक अनेक संप्रदायों में, श्री संप्रदाय कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बोले सारी संप्रदायों का एक मत है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो उन्होंने हार्मोनाइजेशन किया, इसलिए अखबार है हार्मोनिस्ट, है ना, भक्तिनाथ महाराज भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से। तो वो हमें समन्वय करेंगे तो समझेंगे ठीक है क्या करना है, कितना आरती नहीं करनी है, भजन नहीं करना है कि शिवजी 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये नहीं करना है, इतना भी संतुष्ट नहीं करना है, इतना करना है हरे कृष्णा जपना है और उनको परम वैष्णव मानना है और उनकी निंदा नहीं करनी है, बस इतना करना है। थैंक यू सो मच प्रभु। इधर भी अभी हमारा समय हो गया है, प्रोग्राम आगे अभी जल अभिषेक किया जाएगा परिक्रमा करके भगवान की, तो लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे शिव जी ने पार्वती जी का क्वेश्चन, सती जी ने राम जी की परीक्षा करी थी तो उनका परित्याग कर दिया था, लेकिन जब सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था तो उसके बाद वो इतने उनके मृत शरीर से इतने अटैच क्यों हो गए थे प्रभु जी? अटैच कहाँ है, संसार में जो कुछ भी लीला है ना, उन्होंने उठा करके उनके शरीर से शक्तिपीठों की स्थापना करनी थी। अब जो तमोगुणी लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा? शिव जी शमशान में जाकर तपस्या ना करें तो भूत प्रेत को कौन शिक्षा देगा? अब कोई व्यक्ति जाकर जेल में प्रीचिंग करते हैं, प्रभु जी जाकर के जेल में प्रीचिंग कर रहे हैं हम लोग, तो क्या मतलब है, हम वहाँ का उद्धार कौन करे? अब कोई जेल में प्रीचिंग करे बोले ये तो गिर गए, इनका पतन हो गया, कहाँ भागवत करते थे, कहाँ जेलों में प्रचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शिव सती माता जा रही है या रुद्र अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, उन्हीं को भागवत में क्या बताया है, शांत विग्रह, उनसे ज़्यादा शांत कोई नहीं है, उन्हीं को रुद्र कह रहे हैं, कह रहे रौद्र रूप प्रकट कर। तो ये मल्टीपल, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होती हैं, एक व्यक्ति के एक अलग अलग लीलाओं पे, अलग अलग प्रसंगों पे, अलग अलग शिक्षा देने के लिए प्रसंग दिए जाते हैं, है ना। तो वो क्रोध नहीं था, शक्तिपीठ की स्थापना कैसे होती, भगवान विष्णु का चक्र निकला, उसने 52 शक्तिपीठों की स्थापना कर दी, लोगों का बोले इन रजोगुणी तमोगुणी का उद्धार करो जाओ, तो उद्धारक हैं भगवान, सोचते हैं सबके बारे में, थिंक्स अबाउट एवरीवन। हरे कृष्ण। इसलिए तमोगला प्रभु कुछ बोले, राम स्वरूप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे बताते हैं जैसे कि रासलीला में जैसे किसी पुरुष की एंट्री अलाउड नहीं है, जैसे शिव जी भी गए थे तो गोपी के रूप में गए थे, तो एक कथा आती है कि शिव जी नरसिंह मेहता जी को लेके गए थे वहां पे रासलीला में, तो वो कैसे? रासलीला में लेके नहीं गए, रासलीला दिखाई खाली, और वो भी डायरेक्ट नहीं गए, इनडायरेक्ट रूप में, यानी जब वो बेहोश पड़े थे तो उनके अंतर मन की जो है ना, जैसे हमारे गोस्वामी लोग चिंतन के माध्यम से भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, तो इतना भजन इतना भजन इतना भजन कि पहले नाम फिर रूप फिर उसके बाद गुण फिर लीला प्रकट होती है। चैंटिंग में नाम प्रकट होगा, फिर भगवान के गुण प्रकट होते हैं फोकस चैंटिंग में, फिर उसके बाद में गुण प्रकट हो रहे हैं, फिर लीलाएं प्रकट हो, नाम रूप गुण लीला, तो लीला में प्रवेश किया, उस लीला प्रवेश में उनको शिव जी हाथ पकड़ कर ले गए और बोले ये रही देखो रासलीला हो रही है, तो प्रवेश नहीं दिया, रासलीला चल रही थी, दिखाया दूर से। जब रासलीला पूर्ण हो गई तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा भी तुम यहाँ कैसे है, बोले शिव जी लेकर आए मुझे, तो शिव जी ने बोला कि ये मेरा फॉलोअर है,
और मेरी भजन करता था, लेकिन असलियत में तो ये आपका भक्त बनने लायक है। नरसिंह मेहता जी का शिवजी ने हाथ पकड़ करके और भगवान कृष्ण के हाथ में दिया, और जब उनकी कॉन्शियसनेस वापिस आई, लीला भंग हुई, लीला समाप्त हुई, देन ही बिकेम गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, बस कृष्ण ही है। तो शिवजी कृपा करते हैं किसी पर अपनी अनुग्रहता, तब उसे कृष्ण भक्ति समझ में आती है। असली कृपा वही है शिवजी की। थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, लास्ट अमेजिंग क्लास। महापरम वैष्णव शिवजी की जय। सो बहुत धन्यवाद प्रशांत मुन प्रभु का, इतने एक्सपर्टली उन्होंने शिव तत्व समझाया। ऐसे शिव तत्व, राधा तत्व, ये बहुत ही ज्यादा गोपनीय तत्व है, तो अच्छे अच्छों की इसमें सीटी बज जाती है। तो लेकिन आपने तो इस सिटी के अंदर कमाल ही कर दिया। हमारे द्वारका सिटी में इतनी सुंदर ये शिव तत्व की कथा हुई कि शिव जी का तत्व जो है कितना सुंदर है, उसमें वैष्णवता, उनकी भगवत तत्व और उनकी पवित्रता सब आपने इतने सुंदर तरीके से बताया, वो भी इतने सारे स्क्रिप्चुरल कोटेशन के साथ। सो इट वॉज रियल नेक्टर। सो इट सो टुडे वॉज सैटरडे लव फीस्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस फीस्ट। जय हो महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय। बम बम बोलेगी जय। प्रशांत मोहन प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, और अभी इसके बाद आप प्रसादम पा लें, इसके बाद में हमारे यहाँ पे एक फंक्शन होने जा रहा है जिसमें हम लोग कांवड़ उठाएंगे और कांवड़ उठा के मंदिर की चार बार परिक्रमा करेंगे, और फिर यहाँ पे हमारे बहुत सुंदर गौर निताई का विग्रह होंगे और हम गौर निताई के विग्रह के ऊपर में उनका अभिषेक करेंगे उस जल से। ये जो जल है ये भी मानसरोवर से आया हुआ जल है, ये स्पेशल जल है, तो जल काफ़ी कम क्वांटिटी में है, तो हम उसको बेसिकली मिक्स करेंगे। जो नॉर्मल वाटर मटकी में रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा जल मिश्रित करेंगे, और उसके बाद उस जल को लेके भक्तगण जो हैं वो चार परिक्रमा करेंगे। चार परिक्रमा के पश्चात अंदर मंदिर में आएंगे और यहाँ पे गौर निताई के विग्रह होंगे और फिर उनका अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार हम शिव जी की पूजा करेंगे आज। हरे कृष्णा।